नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमने सेशन लिया है वो पार्ट टू है, ठीक है। पार्ट वन जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र दो का जो कि पहला पार्ट था वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये दूसरा पार्ट है, इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र एक जो है वो पूरा अपलोड कर दिया है। तो उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक पड़ा होगा, उसको जाके देखिए। तो हमने यहाँ पे प्रदीप कुमार द्विवेदी जो कि अधिकतम अंक 344 अंक पाने वाले थे, जो कि हिंदी साहित्य में उन्होंने लिखा था, तो हिंदी साहित्य उनका ऑप्शनल था यूपीएससी के प्रॉस्पेक्ट से, तो उसको हमने देखा था। तो हमने उनकी परिभाषा को देखा था, हमने उनको देखा था किस प्रकार से वो शब्द को बांध कर रखते हैं, साथ ही साथ में हमने उस प्रकार से भी देखा था कि उनका रिप्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से वो किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, इसीलिए उनको वो 344 अंक मिले हैं 500 में से। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि वहाँ पे 295, 297, 300 आते आते बहुत मुश्किल हो जाता था। 344 अंक अपने आप में एक बहुत बड़ी यहाँ पे कह सकते हैं कि उपलब्धि हो गई है। तो हमने जहाँ से पहले स्टार्ट किया था, जहाँ से छोड़ा था प्रश्न ग जो कि दो का ग था, तो हमने वहाँ पे इसको स्किप किया था, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये लगातार हमारा सेशन चलता रहेगा जब तक खत्म ना हो जाए। जैसे ही खत्म होगा इसके बाद हमने और देखना है। तो ये टोटल जो है वो 10 पेपर इन्होंने दिया है दृष्टि आईएएस के जो टेक्स्ट बुक सीरीज थी उसमें, यहाँ इन्होंने 10 सीरीज के क्वेश्चन को दिया है, तो 10ों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर आपकी डिमांड आती है तो हिंदी साहित्य का एक आध दो और जो कि टॉपर्स हैं, ठीक है, जैसे निशांत जैन हो गए, तो ऐसे अनेक विद्यार्थियों का हम यहाँ पे सर जो हमारे हैं, विद्यार्थी कहना गलत होगा, तो सर है, तो यहाँ पे हम उन सभी का जो है डिस्कशन कराएंगे। साथ ही साथ में निबंध हो गया और जीएस के पेपर हो गए उसको भी डिस्कशन कराएंगे। तो चलिए वो तो खैर बात की बात है। तो आज का जो हमारा सेशन है कि आपके मत में कबीर और तुलसी में, देखिए कबीर और तुलसी में किसे लोकनायक, ठीक है, लोकनायक की संज्ञा देना अधिक उचित होगा, तार्किक उत्तर दीजिए। आपको तार्किक उत्तर देना है कि आपके मत में, ठीक है, भावुकता पूर्ण नहीं, आपको तार्किक उत्तर देना है कि आपके मत के अनुसार कबीर और तुलसी में किसे लोकनायक की संज्ञा देना अधिक उचित होगा और तार्किक उत्तर दीजिए और क्यों, ठीक है, उसका कारण भी आप बताना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए लोकनायक जो शब्द है कि व्याख्या प्रत्येक आलोचक व व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है, ठीक है। लोकनायक की जो परिभाषा है, जो लोकनायक की व्याख्या है, लोकनायक शब्द की व्याख्या जो है वो अनेक व्यक्ति क्या करता है, अनेक प्रत्येक आलोचक व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग तरीके से करता है। किसी की दृष्टि में जो है वो सामाजिक बुराइयां जैसे आडंबर, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि की निर्मम अभिव्यक्ति लोकनायत्व का परिणाम है, ठीक है। कोई आलोचक कहता है कि यदि कोई कवि जो सामाजिक बुराइयों को अपने अपने रचना में जो है उकेर कर उभार करके सामने लाता है तो उसे हम लोकनायक कहेंगे। जैसे आडंबर हो गया, जातिवाद हो गया, सांप्रदायिकता हो गई आदि की अगर निर्मम अभिव्यक्ति करता है, उसकी रचनाओं में निर्मम अभिव्यक्ति होती है, तो डेफिनेटली हम उसको लोकनायकत्व तो का परिमाण कहेंगे। और नहीं, वही दूसरी तरफ क्या कहें, या तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रमित इनके समान जो आलोचक हैं वे कहते हैं कि बुद्धिजीवी कहते हैं, ठीक है, कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का विशाल चेतना लेकर प्रस्तुत हुआ हो, ठीक है। यानी समन्वय मतलब कि एक दूसरे में समन्वय स्थापित करके रचनाओं का यहाँ पे वर्णन करना, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, ठीक है, स्त्री पुरुष हो गया, तो इन सभी में जो ऊंच नीच हो गई तो इन सभी में समन्वय स्थापित करके अपनी रचनाओं को जो है प्रस्तुतिकरण करें तो हम उसे लोकनायक की भांति यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हमने समझा कि लोकनायक शब्द की व्याख्या जो है वो प्रत्येक आलोचक के लिए व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है, ठीक है। किसी की दृष्टि में क्या है कि सामाजिक बुराइयों जैसे आडंबर, जातिवाद और सांप्रदायिकता क्या होती है कि निर्मम अभिव्यक्ति ही लोकनायत्व का परिमाण है। दूसरी बात यह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनके प्रमित इनके समान जो लेखक है, जो आलोचक है, वो बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का विशाल चेतना लेकर प्रस्तुत हुआ हो, ठीक है, यानी समन्वय को स्थापित करते हुए अपने रचनाओं को लिखे। यूं तो कबीर ने निर्गुण सगुण विवाद या हो या फिर हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक विवाद, ठीक है, यहाँ पे कबीर की बात की गई है कि कबीर जो है वो निर्गुण सगुण मतलब सगुण मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखे और निर्गुण मतलब जो ईश्वर को ना माने, सगुण प्रेम की वही ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी वाले, ठीक है। तो यूं तो कबीर सिंह ने माफ कीजिएगा यूं तो कबीर ने निर्गुण सगुण विवाद हो या फिर हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक विवाद सभी को बिना लाग लपेट के
कड़ी फटकार लगाते हुए ईश्वर की एकत्व के माध्यम से सामाजिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे सबसे देखिए यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि प्रदीप कुमार सर की जो हमने देखी थी कि ये शब्दों को बांध करके छोटे से शब्दों में जो रिप्रेजेंटेशन जो प्रस्तुतिकरण होता है इनका वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये छोटे शब्दों में ये रिप्रेजेंटेशन जो है पूरा कर देते, 250 शब्दों में जो प्रश्नों की मांग है उसको यहाँ पे पूरा कर देते, डेफिनेटली आपको वो चीज़ें ये पूरी नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए राइटिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खास नहीं है, आप इतनी अच्छी लिखिए। हालांकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी लिखावट अच्छी है, तो उससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों का सेशन देखा होगा कि आपकी राइटिंग अच्छी है तो 7 में से आपको 8 मिल जाएंगे। ठीक है, अगर एग्जामिनर 7 देगा तो एक नंबर उसके हाथ से फिसल जाएगा डेफिनेटली। लेकिन आपकी अगर राइटिंग गंदी है तो डेफिनेटली अगर पढ़ने योग्य है तो वो 7 के बजाय 6 देगा, यही हो सकता है। लेकिन बहुत गंदी है तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको यहाँ पर मैटर कर सकती है कि आपको 7 के बजाय 5 ही मिले। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि आपको इलिटरेट नहीं बनना है, कि ऐसा नहीं कि जो सामने वाला पढ़ ना पाए। आपको लिखना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, समय का प्रबंध करना है, प्रबंधन जो होता है, और साथ ही साथ में आपको रिप्रेजेंटेशन जो प्रस्तुतिकरण होता है उस पर भी ध्यान देना है। तो इसीलिए बेसिकली ये सेशन चलाया गया कि आप लोग समझ सके कि परिभाषा को, शब्द सीमा को कैसे बांध कर रखें और शब्द तय समय सीमा में। ठीक है, तो यूँ तो कबीर ने क्या किया कि निर्गुण सगुण हो या फिर निर्गुण सगुण का विवाद हो या फिर हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक विवाद हो, सभी को बिना लाग लपेट, मतलब यहाँ पे इन्होंने समन्वय स्थापित नहीं किया है बल्कि उनको कड़ी फटकार लगाई हुई है। इन्होंने कई अपनी रचनाओं में साफ साफ दिखता है कि ये किसी धर्म के, किसी जाति वर्ग विशेष के ये चहेते नहीं, या फिर किसी जाति विशेष को ये यहाँ पे समन्वय स्थापित नहीं देते हैं, किसी महत्व नहीं देते हैं। ये सभी को जो है कहते हैं कि ईश्वर सिर्फ एक है। ठीक है, वही बातें हैं कि कड़ी फटकार लगाते हुए ईश्वर के एकत्व, मतलब सिर्फ ईश्वर के एक रूप को माध्यम में सामाजिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया कबीर। अब देखते हैं, परंतु समन्वय की चेतना की जैसी गहन अभिव्यक्ति जो है वो तुलसी के यहाँ मिलती है, वह दुर्लभ है। ठीक है, तो तुलसी जो है अपनी रचनाओं में समन्वय को स्थापित करते हैं वे सगुण निर्गुण, ठीक है, विवाद का जो है वो शमन करते हैं, और तथा लिखते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुद्ध भेदा। ठीक है, देखिए कितना यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे अपनी बातों को रखा पहले, फिर उनकी दो पंक्तियों को, लाइनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इससे क्या पड़ेगा, एग्जामिनर पर गुड इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली, वो देखेगा हाँ स्टूडेंट को जो है वो चीज़ें पता है। तो आप पहले अपनी बातों को रखिए, इसके बाद उसके समक्ष जो है उसको प्रकट करने के लिए, आप उसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके दोहे हो सकते हैं, चौपाई हो सकती है। तो अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुद्ध भेदा। ठीक है, वही वे शिव हो ही गमदास कहावा के माध्यम से शैव वैष्णव मतों का भी मेल कराते हैं। शैव वैष्णव का भी यहाँ पे देख लीजिए, इनके समन्वय होता है। तो समन्वय का सर्वोत्कृष्ट रूप वहाँ दिखता है जब वे समस्त सामाजिक बंटवारे व ऊंच नीच को पीछे छोड़ते हुए सबरी की भक्ति व निषाद के प्रेम को स्थापित करते हैं। ठीक है, वही जो श्री राम को लेके गए थे, ठीक है, नौका पार करवाया थे, तो यहाँ पे स्थापित ये सबरी का जो बैर था, ठीक है, जो श्री राम ने खाया था, प्रभु श्री राम ने खाया था, तो उनकी जो है यहाँ पे देखिए किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने कि समन्वय का सर्वोत्कृष्ट रूप वहाँ दिखता है जब वे समस्त सामाजिक बंटवारे, जैसे ऊंच नीच को पीछे छोड़ते हुए, इन्होंने ऊंच नीच या फिर सामाजिक आडंबरों में बढ़ने से बजाय क्या किया है कि सबरी की भक्ति व निषाद के प्रेम को स्थापित करते हैं तथा समाज के निचले तबके को ईश्वर की भक्ति का बराबरी अधिकार बताते हैं। देखिए इतनी अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है कि नव मह एकव जन के होई नारी पुरुष सचराचर कोई और सोई अतिशय प्रिय यामनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुलसीदास ने भाषाई समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सोच। ठीक है, यानी प्रेम को जो है भाषा व संस्कृत नहीं चाहिए, प्रेम को सोच चाहिए। ठीक है, एक दिशा चाहिए। तो वही चीज़ें बताई गई हैं कि तथा मासित को संवे कहकर सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना का उद्घोष किया है। तो तुलसीदास की जो रचनाओं की जो विशेषता थी, जो भाषाई विशेषता थी, जो ऊंच नीच को पीछे छोड़कर जो प्रभु की भक्ति को यहाँ पर सबरी की भक्ति और निषाद के प्रेम को जो स्थापित किया, जो समन्वय था इनके इनके रचनाओं में, ठीक है,
और जो इनके जो इनकी पंक्तियाँ थी कि अगुनहि सगुनहि नहि कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, मतलब किसी में जो है भेद नहीं है, वो सभी जो है भगवान की भक्ति कर सकते हैं। एक निचले तबके के लोग को भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक ऊंचे तबके के लोग को, यानी प्रभु की भक्ति पर सबका समान अधिकार है। साथ ही साथ में इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे अभिव्यक्त की है, ठीक है, कि का भाषा का संस्कृत, यहाँ पे इस भाषा का मतलब प्रेम को भी यहाँ पे उजागर करते हुए इन्होंने कहा कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सोच, ठीक है, तो वही चीज़ें दर्शाने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली बात किया जाए तो कि समग्रतः दोनों ही कवियों का जो काव्य है वो लोकनायत्व की परिधि को संपूर्णता में छूता है। देखिए यहाँ पे ऐसा इन्होंने डेफिनेटली नहीं कहा, देखिए आपको वन साइड आपको नहीं चलना है, देखिए सभी पहलुओं को, सभी पक्षों को आपको साथ में लेके चलना है। अगर आप सभी पहलुओं को, सभी पक्षों को साथ में ले रखते हैं तो डेफिनेटली वो एग्जामिनर पे एक अलग से इम्पैक्ट डालेगा, जो कि आपको उत्तर को अलग से डेफिनेटली वो डिफाइन करेगा। हर एग्जामिनर आपको बताता है, हर जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं या फिर जो जो टॉपर्स हैं, तो वो उनसे आप देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि आप सिर्फ वन साइड नहीं हुई है, मतलब आपको पूछा जाए कि समाज में ये चीज़ें विद्यमान है तो सभी को, यानी दोषों को भी गुणों को भी साथ लेके चलिए, साथ साथ में उसमें समन्वय स्थापित कीजिए, वन साइडेड मत होइए। सबसे बड़ी बात है कि वन साइडेड हो जाए, जैसे आपने पूछ लिया गया कि जो ये व्याप्त जो बुराइयां हैं समाज में ये किसके कारण है, तो आप लोग वन साइडेड हो जाएंगे कि नहीं सर ये तो सिर्फ इन्हीं के कारण है। तो हालांकि है सरकार की कुछ यहाँ पे गलतियां हैं, लेकिन सरकार वहाँ के उसके सुधारने के लिए उसको कुछ कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। यहाँ पे तमाम प्रकार की योजनाएं आ रही हैं, लोगों की यहाँ पे भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, लोगों को भी यहाँ पे भूमिका समान रूप से होती है। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि सरकार की और लोगों की दोनों की भूमिका जो मिलकर अगर समन्वय स्थापित करेंगे तो डेफिनेटली हमारा समाज जो है विकसित करेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे समझने का प्रयास करना है कि हमें वन साइडेड नहीं होना है, हमें सभी पहलुओं को लेके चलना है साथ में। तो समग्रतः दोनों ही कवियों का काव्य जो है लोकनायत्व की परिधि का संपूर्णता में छूता है, परंतु तुलसी के यहाँ, देखिए लास्ट में कह दिया कि परंतु तुलसी के यहाँ सघनता का स्तर निश्चित तौर पर अधिक है। तो यहाँ पे लास्ट में जो है अपने बात को यहाँ पे प्रूफ करते हुए कह दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमारी आदत है और आपको भी आदत डालनी चाहिए कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि बिना रिवाइज किए, आप बिना पुनरावृत्ति किए कोई पढ़ने का तात्पर्य नहीं है। तो 10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, हो सकता है कि एक घंटे का वीडियो बने वैसे हो जाए, एक घंटा 10 मिनट का वीडियो बन जाए, लेकिन डेफिनेटली आपको इस चीज़ को यहाँ पे बार बार ध्यान देना चाहिए कि रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो जैसे कि अपने मत के अनुसार हमने क्या पढ़ा कि कबीर और तुलसी किसे लोकनायक की संज्ञा देना उचित होगा, तार्किक उत्तर दीजिए। हमने पढ़ा कि लोकनायक शब्द की व्याख्या जो है वो प्रत्येक आलोचक व व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है, ठीक है। किसी की दृष्टि में क्या है कि सामाजिक बुराइयों के साथ जैसे आडंबर, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि की निर्मम अभिव्यक्ति ही लोकनायत्व का परिणाम है, ठीक है। तो वहीं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है प्रमृति जो बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विशाल चेतना लेकर प्रस्तुत हुआ हो। देखिए अब यूँ तो बात किया जाए कि यूँ तो कबीर ने निर्गुण सगुण का विवाद हो या फिर हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक विवाद, सभी को बिना लाग लपेट कड़ी फटकार लगाते हुए ईश्वर के एकत्व का माध्यम सामाजिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। परंतु समन्वय की चेतना की जैसी गहन अभिव्यक्ति तुलसी के यहाँ मिलती है वह दुर्लभ है। जैसे वे सगुण निर्गुण विवाद का शमन करते हैं तथा लिखते हैं कि अगुनहि सगुनहि नहि कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, वहीं वे शिव शिव हो ही गम दास कहावा के माध्यम से शैव वैष्णव मतों का भी मेल कराते हैं और समन्वय का सर्वोत्कृष्ट रूप वहाँ दिखता है जब वे समस्त सामाजिक बंटवारे व ऊंच नीच को पीछे छोड़ते हुए सबरी की भक्ति व निषाद के प्रेम को स्थापित करते हैं तथा समाज के निचले तबके को ईश्वर की भक्ति का बराबरी अधिकार बताते हैं और नव मह एक और जन के होई नारी पुरुष सरचा सच राचर कोई सोई अतिक्षय प्रिय यामनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तुलसीदास ने भाषाई समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सोच तथा मसीत को सोवय कहकर सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना का उद्घोष किया है। समग्रतः दोनों ही कवियों का काव्य जो है वो लोकनायत्व का परिधि की संपूर्णता में छूता है, परंतु तुलसी के यहाँ जो सघनता का जो स्तर दिखता है वो निश्चित तौर पर अधिक है। तो हमारा ये चैप्टर, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा 3 का क है, ठीक है, उसको समाप्त करेंगे 2 वाला। तो तीसरा हमारा जो है उसमें हमने वो समाप्त हो गया है, तो हम तीसरा क देखेंगे
कि सूर के उद्धव एक प्रकार कृष्ण अर्थात शासक एवं गोपियां जो है वो प्रजा के बीच बिचौलिए नेता का प्रतीक है। कौन? उद्धव। इस रूप में यह प्रतीक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या आप इस महत्व से सहमत है? अपना अभिव्यक्त है जो अभिमत जो है वो सब उदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपको हो सकता है कि प्रश्न जो है थोड़ा सा पेचीदा लगे, लेकिन आपको दो तीन बार पढ़ेंगे समझ में आएगा कि जो सूर्य के जो उद्धव हैं वो एक प्रकार के कृष्ण शासक, ठीक है, कृष्ण मतलब यहाँ पे शासक दर्शाया गया है, गोपियाँ जो है वो प्रजा के बीच, यानी उद्धव जो है वो बिचौलिए नेता के प्रतीक है, ठीक है, यानी उद्धव को यहाँ पे बिचौलिए के रूप में देखा गया है। इस रूप में आज भी उतना प्रतीक, इसलिए कहा जाता है कि अगर हम किताबी ज्ञान के अर्थ पर, किताबी ज्ञान के अहंकार पर, किताबी ज्ञान के बेसिस पर, अगर हम किताबी ज्ञान के आधार पर अगर हम सोचें कि हम परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये डेफिनेटली गलत है। आपको आज की जो UPSC की जो डिमांड है, जो आज की जो उसकी ज़रूरतें हैं, उस चीज़ को देखिए। UPSC किस प्रकार से हम पूछता है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर नकार देते हैं। हम किताबों में लगे हुए होते हैं और UPSC कहीं और से पूछ लेता है। UPSC जो है हिंदी का सिलेबस जो है वो करंट से यहाँ पे कनेक्ट करके पूछ लेता है, तो यहाँ पे हम कन्फ्यूज होते हैं, ये तो चैप्टर में था ही नहीं है। तो यहाँ पे UPSC जो मानता है वो सामाजिक समझ, ठीक है, आप किस प्रकार से शब्दों को, किस प्रकार से जो टॉपिक है उसको करंट से जोड़कर रिप्रेजेंट करने का तरीका कर सकते हैं, क्योंकि UPSC आपको ज्ञानी होने का बिल्कुल परिमाण नहीं मांगता है। UPSC एक मानता है कि एक सामाजिक सेवक, जो एक सिविल सेवक के अंतर्गत जो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आपके अंदर है कि नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो आजकल शासक क्या होता है कि शासक जब एक शासक होता है, राजनेता, यहाँ पे दर्शाया गया है कि राजनेता जब क्या होता है कि जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो जनता के बीच में आता है, वोट मांगने के लिए हर घर वो जाता है, उसकी चीज़ें पूछता है, वहाँ पे ख्याल रखता है लोगों का, तो उनके बीच में बातें करता है। लेकिन जैसे ही वो वोट बैंक उसका जब भरता है, जब वो वोट बैंक वहाँ पे जीत जाता है राजनेता, तो वो क्या कर लेता है, पलायन कर जाता है और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी एक लग्जरी लाइफ, मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि एक सौंदर्यपूर्ण जहाँ पे जीवन का निर्वाह करता है, वो जनता को स्मृति से भूल जाता है और बीच बीच में क्या करता है कि बिचौलियों के रूप में वो किसी को भेजते रहता है, ताकि जनता को ये विश्वास भी बना रहे कि राजनेता उनका जो है वो अच्छा है, वो काम भी कर रहा है। तो बिचौलियों को यहाँ पे बीच बीच में राजनेता के रूप में जो राजनेता है वो भेजता रहता। तो वही बताया गया कि जो कृष्ण है वो एक शासक है, जब तक उनका काम था, जब तक उनको गोपियाँ थी उनके पास में थी, तब तक वो गोपियों के पास में रहे, ठीक है। इसके बाद क्या किया कि प्रजा के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है, तो गोपियों के पास में रहे, ठीक है, प्रेम लीला किया। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही गोपियों की ज़रूरत हुई कृष्ण को, तो यहाँ पे प्रेम का मोह त्याग करके कृष्ण जो है वो मथुरा चले गए। उसी रूप में प्रासंगिकता रूप में वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो क्या ये प्रासंगिक है, और प्रासंगिक है तो क्यों है, इसको आपको अभिव्यक्ति के माध्यम से समझाना है, ठीक है। तो देखते हैं कि उत्कृष्ट रचनाओं का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि वे युग परिवर्तन के साथ विभिन्न अर्थों को ग्रहण करती है तथा कालमयी हो अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करती है। देखिए, ऐसा ही एक अर्थविधान आलोचकों द्वारा भ्रमर गीत को दिया गया है। यह मत प्रकट किया गया है कि जिस प्रकार आज के राजनैतिक माहौल में जो सत्ता प्राप्ति का एकमात्र साधन लोगों का समर्थन है, लोकतंत्र में जन समर्थन के बिना सत्ता संभव नहीं है, तथा निर्वाचित व्यक्ति जिस प्रकार राजधानी में जाकर आमजन यानी आम लोगों को विस्मित कर देते हैं, उसी प्रकार कृष्ण ने तो पहले क्या किया, गोपियों का प्रेम प्राप्त किया, फिर प्रेम प्राप्त कर यश अर्जित किया और फिर मथुरा जाकर उन्हें भूल गए। तो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है, देखिए यहाँ पे कितना समन्वय स्थापित किया गया है कि जो रचनाओं की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बताया गया कि युग परिवर्तन के साथ जो है वो विभिन्न रचनाओं का जो अर्थ होता है, वो विभिन्न रचनाएं क्या होती है कि समय पर युग परिवर्तन के साथ अपने अर्थों को ग्रहण कर लेती है, पहली बात, और कालमयी हो अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करती है। देखिए, अब जो रचना है तो वही सेम ही है, लेकिन जब जैसे जैसे युग परिवर्तन होगा तो उसके अर्थों में भी क्या होगा, चेंजेस आएंगे। जैसे वर्तमान समय में हम इस प्रकार से जो है इसको जोड़कर देखते हैं कि कृष्ण भगवान को एक शासक के रूप में देखने लगे, तो युग परिवर्तन के साथ में जो रचनाएं होती हैं उनका अर्थ भी वो ग्रहण कर दी जाती है युग परिवर्तन के साथ में। तो ऐसा एक अर्थ विधान जो है आलोचक जो भ्रमर गीत दिया गया उसमें भी बताया गया है कि जिस प्रकार जो आज के राजनीतिक माहौल में जो सत्ता प्राप्ति का एकमात्र जो साधन होता है, क्योंकि आप हमारे देश में जानते हैं लोकतंत्रात्मक शासन है हमारा, तो लोगों के बिना आप सत्ताधारी नहीं हो सकते,
तो लोगों का जो समर्थन है वो लोकतंत्र में जन समर्थन के बिना सत्ता संभव नहीं है, तथा निर्वाचित व्यक्ति जिस प्रकार जो है राजधानी में जाकर आमजन को विस्मित कर देता है, विस्मित मतलब भूल जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया कि कृष्ण ने भी क्या किया। पहले तो यहाँ पे गोपियों को प्रेम को प्राप्त किया, ठीक है, फिर प्रेम प्राप्त करके यश को अर्जित किया, और फिर क्या किया कि मथुरा जाकर उनको भूल गए, ठीक है। इसी प्रकार जैसे चुनाव पूर्व क्या होता है कि जनता जनता नाराजगी दूर करने के लिए क्या करता है कि नेता किसी बिचौलियों के माध्यम से घोषणाएं करवाकर जनता का ध्यान भटकाता है, उसी प्रकार कृष्ण ने भी उद्धव को गोपियों को ज्ञान मार्ग समझाने के लिए भेजा। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है किस प्रकार से जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो कई भी अपने देश का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो क्या होता है कि जब लास्ट समय होता है, जब एग्जाम जब चुनाव आता है, तो क्या करते हैं कि जो राजनेता हो, तो राजनेता चाहे जो भी हो, किसी भी पार्टी हो, ठीक है, तो राजनेता, देखिए राजनेता जो होते हैं एक तो भ्रष्ट होते हैं, एक बहुत भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्ट तो होते हैं क्योंकि राजनेता, आप किसी भी पार्टी के किसी भी लोगों को देख लीजिए तो भ्रष्टता तो उसमें रहेगी, ठीक है, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसा बताया गया है कि जब आखिरी समय आता है राजनेता का, यानी जब चुनाव होने वाला होता है, तो क्या करते हैं, बिचौलियों के माध्यम से जनता को भ्रमित करने के लिए नई योजनाएं ला देते हैं, जनता के विकास में बिचौलियों के माध्यम से जो है वो जनता के विकास में कुछ काम करवा देते हैं, जो कि ताकि उनको भ्रमण कर सके। तो उसी प्रकार से कृष्ण ने भी यहाँ पे क्या कहा गया कि कृष्ण ने भी बिचौलिए अर्थात किनके माध्यम से, उद्धव के माध्यम से जो है, उद्धव के माध्यम से गोपियों को ज्ञान मार्ग समझाने के लिए भेजा था। देखिए कि यहाँ पे कितनी कोऑर्डिनेशन जो है इनका, जो समन्वय स्थापित करने का जो इनका तरीका है, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे समन्वय स्थापित किया है, पर यह सामंजस्य ज़्यादा आगे तक सही नहीं ठहरता। जहाँ आज के राजनेता क्या है कि स्वार्थरत हो जनता को विस्मित कर देते हैं, यानी अपने स्वार्थ के कारण जो है वो जनता को भूल जाते हैं, वही कृष्ण का जो मथुरा गमन था, जिसलिए वो मथुरा गए थे, वो एक कल्याणकारी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गए थे, न कि अपने स्वार्थरत परक के लिए गए थे। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि आज का जनता, आज के जो राजनेता है, उनको कृष्ण से हालांकि तुलना करने ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाता, समानता उसमें नहीं दर्शाती है, समन्वय नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि पर सामंजस्य का जो ज़्यादा आगे तक नहीं ठहर पाता, क्योंकि आज के जो राजनेता है वो स्वार्थरत होकर जनता को विस्मित यानी भूल जाते हैं, जबकि कृष्ण जो है वो मथुरा इसलिए गए थे तो कि ताकि वो कल्याणकारी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वहाँ पे लोगों का कल्याण कर सके, इसलिए वो मथुरा गए थे, वो व्यापक जनहित मथुरा गए थे, यानी बहुत सारे लोगों का विकास करने के लिए वो मथुरा गए थे। पुनः कृष्ण ने उद्धव को इसलिए भेजा ताकि उद्धव भी क्या कर सके कि गोपियों की भक्ति रस से प्रभावित हो और शुष्क ज्ञान की निरसत्ता को समझे तथा भक्ति मार्ग व भावना का प्रणयन करे। यहाँ पे जो कृष्ण का उद्देश्य था, जो बिचौलिया के रूप में जो उद्धव का भेजने का, तो उनको कहने का मतलब ये है कि वो चाहते थे कि जो उद्धव है वो गोपियों से भक्ति रस के प्रभावित हो और शुष्क जो ज्ञान है उसके पास, जो ज्ञान का आडंबर लिए हुए है, जिस ज्ञान का उसको घमंड है, वो क्या कर सके, उसके उसको समझे, उसकी अहमियत को समझे कि बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है और भक्ति मार्ग व भावना का प्रणयन कर सके, ठीक है, उसको ग्रहण कर सके। कृष्ण का जो है गोपियों के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण जो है जब बिचौलियों के रूप में भेजे हैं तो उनका प्रेम कम हो गया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताने की कोशिश भी की है कि कृष्ण का जो गोपियों के प्रति जो प्रेम का भाव है वह कम नहीं हुआ है, वह अभी भी प्रगाढ़ है, मतलब वह अभी भी बहुत गहरी है, गहरी आस्था है, तथा गोपियों द्वारा कृष्ण की शासक नहीं, देखिए प्रांगण प्रगाढ़, देखिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयुक्त, यहाँ पे मैं ये अप्रिशिएट करूँगा सर को कि इन्होंने जो शब्दों के प्रयुक्त की है वो चुन चुन के, यहाँ पे लगता है कि हाँ विद्यार्थी ने कुछ पढ़ा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है। मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है, आपको पढ़ने का तरीका यही चीज़ें से समझना है, विकास करना है यहीं से, इसके बाद आपको सिलेबस ख़त्म करना है। तो कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम नहीं कम नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी वह प्रगाढ़ है, तथा गोपियों द्वारा जो है कृष्ण को शासक नहीं अपना प्रेमी माना गया है। समग्रता यह कहा जा सकता है कि पूर्णता में तो नहीं, परंतु एक हद तक यह व्याख्या भी भ्रमर गीत की अर्थवत्ता को व्यापक कर सूर की प्रासंगिकता को स्थापित करती है, ठीक है। यूं भी सूर की गोपियों के माध्यम से जो है राजनीति पर उपालंब किया गया है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, ठीक है। देखिए किस प्रकार से बताया गया कि यूं भी जो है सूर की जो गोपियों के माध्यम से जो है वो राजनीति पर उपालंब भी किया गया है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, तथा सूर ने भी राजनीति को जो है वो विपन्नता
विपता विपता को वर्णित करते हुए कहा है कि राजनीति की रीति सुनो हो चरत बरिचर खेत। ठीक है, राजनीति की रीति सुनो हो चरत बरिचर खेत। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो कि आपको समझने का प्रयास करना था। एक बार हम रिवाइज करेंगे हर बार की तरह। तो सूर्य के उद्धव एक प्रकार के कृष्ण शासक तथा गोपीय प्रजा के बीच में बिचौलिए नेता का प्रतीक है। इस रूप में प्रतीत आज भी होता है, प्रासंगिक उतना ही है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपना अभिमत सोधारणा स्पष्ट कीजिए। तो उस उत्कृष्ट रचनाओं का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि वे युग परिवर्तन के साथ विभिन्न अर्थों को ग्रहण करती हैं तथा कालमयी हो अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करती हैं। ऐसा ही एक अर्ध विधान आलोचकों द्वारा भ्रमर गीत को दिया गया है। यह मत प्रकट किया जाता है कि जिस प्रकार आज के राजनैतिक माहौल में सत्ता प्राप्ति का एकमात्र साधन लोगों का समर्थन है, लोकतंत्र में जन समर्थन के बिना सत्ता संभव नहीं है, तथा निर्वाचित व्यक्ति जिस प्रकार चयनित होकर राजधानी में जाकर आमजन के विस्मित कर देता है यानी भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने भी पहले तो गोपियों का प्रेम प्राप्त किया तथा प्रेम प्राप्त कर यश अर्जित किया तथा फिर मथुरा जाकर उन्हें भूल गए। इसी प्रकार जैसे चुनावपूर्व जनता जो है नाराजगी दूर करने के लिए नेता किसी बिचौलियों के माध्यम से घोषणाएं करवा कर जनता का ध्यान भटकाता है, उसी प्रकार कृष्ण ने भी उद्धव को गोपियों का ज्ञान मार्ग समझाने के लिए भेजा था, पर यह सामंजस्य ज़्यादा आगे तक नहीं ठहर सका। और जहां आज के राजनेता स्वार्थरत हो जनता को विस्मित करते हैं, वहीं कृष्ण का मथुरा गमन एक कल्याणकारी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। वह व्यापक जनहित हेतु मथुरा गए थे। पुनः कृष्ण ने उद्धव को इसलिए भेजा ताकि उद्धव भी गोपियों के भक्ति रस को प्रभावित हो और शुष्क ज्ञान की निस्सारता को समझे तथा भक्ति मार्ग व भावना का प्रयाण करें। कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम नहीं कम नहीं हुआ है, वह अभी भी प्रगाढ़ है तथा गोपियों द्वारा कृष्ण को शासक नहीं अपना प्रेमी माना गया है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि पूर्णता में तो नहीं, परंतु एक हद तक जो है वो यह व्याख्या भी भ्रमर गीत की अर्थवत्ता को और व्यापक कर सूर की प्रासंगिकता को स्थापित करती है। यूं भी सूर की गोपियों के माध्यम से राजनीति पर उपालंब किया गया है कि हर है राजनीति पढ़िया है, मतलब अब भगवान जो है वो राजनीति पढ़कर चले आए हैं। यहाँ पे भगवान की जो राजनीति अब यहाँ पे आने लगी है, राजनीति की यहाँ पे ज्ञान हो गया है तथा सूर्य ने भी राजनीति की विडम्बना विपता को वर्णित किया और कहा है कि राजनीति की रीति सुनो है चरत बारिचर खेत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि अगला क्वेश्चन जो कि 3 का ख है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रतिपादित राम राज्य की अवधारणा को समालोचन कीजिए। तो देखिए, राम राज्य का मतलब ये नहीं कि राम का शासन, राम राज्य का मतलब ये नहीं कि हिंदू शासन, राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि किसी स्पेसिफिक जाति धर्म या फिर किसी विशेष व्यक्ति का शासन। यहाँ पे राम राज्य कहने का मतलब है कि जिस राज्य में प्रजा जो है वो सुखी हो, वो निरोग हो, रोग से मुक्त हो, जिसमें जो है राजा व प्रजा का जो समन्वय है वो पिता व पुत्र की भांति हो, राज्य जो है वो सुखी काज हो, ठीक है, जो प्रजा हो वो सुखी हो, जो सत्ता है वो स्वतंत्र हो, वो लोकतंत्रात्मक शासन हो, लोगों का शासन हो, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र हो। तो वही चीज़ें यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि राम राज्य का मतलब यही होता है। तो गोस्वामी तुलसी द्वारा प्रतिपादित जो राम राज्य की अवधारणा है उसको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो यही चीज़ें हैं, एक बार देख लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास उस सामंतवादी दौर में रचना कर रहे थे जब शासक वर्ग सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि में लिप्त था। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने का प्रयास कीजिए कि जो उस समय यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि तुलसीदास जो थे वो उस सामंतवादी दौर में रचना कर रहे थे जहाँ पर जो शासक थे, जिस समय के उस समय के शासक जो होते थे वो अपने स्वार्थ सिद्धि, मतलब अपने बखान के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लिप्त थे। ठीक है, भोग विलासिता और राजकाज में वो लिप्त रहते थे वहाँ के राजा। ये भी बताया गया कि एक तरफ भूखमरी आम बात थी तो वहीं जनता को प्रताड़ित किया जाना तथा शासक व समाज की दूरी तुलसी को व्यथित कर रही थी। यहाँ बताने की कोशिश कर रही कि उस समय जो भूखमरी थी वो आम बात थी। ठीक है, लोग भूखों से मर रहे थे तो वहीं जनता को जो प्रताड़ित किया जा रहा था जो शासक के द्वारा तथा जो शासक व समाज की जो दूरी थी। ठीक है, यहाँ पे गैप बहुत बड़ा था, जो समाज और शासक के बीच में जो गैप होता है वो बहुत बड़ा था, कोई समन्वय स्थापित नहीं किया गया था, तो उससे व्यथित थे तुलसीदास जी जो थे, उससे व्यथित थे। ऐसे में तुलसी ने
एक आदर्श राज्य को राम राज्य के माध्यम से प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, वही चीजें हैं। तो राम राज्य में न किसी को रोग है, न ही दुख है, न ही कोई दुखी है, न ही गरीब है। उन्होंने कहा भी है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ठीक है, तथा प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ पदार्थ चारी, पदार्थ चारी, तथा प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ पदार्थ चारी है। ठीक है, सभी को जो है स्वच्छ भोजन। राम राज्य में क्या कहा गया कि यहाँ पे कोई दरिद्र नहीं है, यहाँ पे कोई गरीब नहीं है, सभी जहाँ पे सभी निरोग हो, ठीक है, कोई रोग ना हो, कोई दुख ना हो, सभी कोई दुख ना हो, सभी कोई गरीब ना हो, सभी सुखी प्रजा हो, तो वहाँ पे राम राज्य, उस राज्य को हम क्या कहेंगे, राम राज्य कहेंगे। तो राम अपने सेवकों को भी आदेश देते हैं कि यदि वे कुछ गलत करें, ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो सीता को 14 वर्ष के वनवास के बाद भी जो है वो वापस से उनका त्याग करना पड़ा था सीता को, क्यों, क्योंकि वो प्रजा की वजह से, प्रजा ने कहा, तो समाज में इस प्रकार की बातें हुई कि 14 साल जो है वो रावण के साथ में रही है, तो सीता पर लांछन लगे जब, तो प्रभु श्री राम ने इस बात को समझते हुए, प्रजा के भावनाओं को समझते हुए सीता का क्या कर दिया था, परित्याग कर दिया था। तो इस प्रकार के देख सकते हैं कि आप लोग समन्वय कितना प्रकार, कितना मतलब अपने परिवार का त्याग कर देना, अपने जीवन का जो है यहाँ पे परित्याग कर देना, अपने जीवन के साथ में जो है प्रजा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना, तो इस प्रकार का जो राज्य होता है वो राम राज्य है, वो एक आदर्श राज्य है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की राम अपने सेवकों को भी आदेश देते हैं, हालांकि वो चीज़ें गलत थी उस समय जो सीता का परित्याग किया जो समाज में था। तो यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश की गई है कि राम अपने सेवकों को भी आदेश देते हैं कि यदि वे कुछ गलत करें तो वो सेवक उनका क्या कर सकते हैं, अनुसरण त्यागने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा भी है कि जौ अनीति कछु भाखौ भाई, सो मोहि त्याग बंधु बिसराई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार राम राज्य में सर्वत्र शांति व समानता का वातावरण है, और तुलसी जो है वो राम राज्य के माध्यम से जो है इस अवस्था से मुक्ति की बात कर रहे हैं, जहाँ खेती न किसान को भिखारी कौन भीख, ना ही बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। ठीक है, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि भिखारी भीख मांगे, जहाँ पर भिखारी भीख ना मांगता हो खेती किसान, मतलब सभी अपने रूप से स्वतंत्र हो। एक नीति निर्देशक जो राज्य का जो सिद्धांत होता है वहाँ पर ये समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। जब आप तुलसीदास के कविताओं को, जब दोहे को, जब आप रचनाओं को पढ़ेंगे, तब ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, जब उसको समझाएं, जब उसको हम पढ़ेंगे, जब उसको सिलेबस को ख़त्म करेंगे, डेफिनेटली हम इस चीज़ को वहाँ पर भी समझने का प्रयास करेंगे। तो तुलसी जो है वो राम राज्य के माध्यम से उस अवस्था से मुक्ति की बात कर रहे हैं, जहाँ खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, और बनिक को न बनिज, चाकर को चाकरी। इस प्रकार से जो राम राज्य में सर्वत्र जो है वो शांति व समानता का वातावरण है, तथा सबको सुंदर व विरूप शरीर का प्रदान कर रहे हैं, और राम राज्य की यह अवधारणा निश्चित तौर पर नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित आदर्श राज्य के समकक्ष है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये चीजें हैं जो कि जो सर को यहाँ पे 344 रन प्राप्त करने में सहायता किया कि ये हिंदी के जो है वो हिंदी को जो है वो वर्तमान के प्रॉस्पेक्ट से समझते हुए यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं कि राम राज्य की यह अवधारणा जो है वो निश्चित तौर पर नीति निदेशक तत्वों में वर्णित आदर्श राज्य के समकक्ष हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है कि जो राम राज्य है वो बेसिकली आज के समय में नीति निदेशक सिद्धांतों यानी नीति निदेशक तत्वों का है, उसमें जो उल्लेखित आदर्श है उससे मिलता जुलता है, तो वही इसके समकक्ष बताया है। और ऐसी कल्पना तुलसी की अस्पष्ट राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक चेतना की उत्कृष्टता को घोतक है। ठीक है, यानी ये दर्शाता है कि तुलसीदास जी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चेतना के प्रति कितनी उत्कृष्टता के उत्कृष्ट थे, कितने सजग थे। ठीक है, समाज के जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जो सामाजिक चेतना थी, जो विडम्बनाएं थी, उसको लेकर अपनी रचना में किस प्रकार से सजग थे, किस प्रकार से वो रचनाएं करते थे। परंतु तुलसी के राम राज्य में कुछ ऐसी स्थितियों की कल्पना भी की गई है जो आज की दृष्टि में अगर देखा जाए तो न्यायसंगत कहीं नहीं कही जा सकती। जैसे बात की जाए तो वर्णाक्रम, ठीक है, वर्णक्रम पर यहाँ पे बात किया था, वर्ण मतलब होता है जातियों में विभक्ति, और धर्म का पालन करने के लिए वहाँ पर बात किए थे कि धर्म का पालन, जो कि सर्वधर्म संपन्न अपना भारत जो है वो सभी धर्मों को यहाँ पे समान अहमियत देता है, कोई धर्म यहाँ पे भारत का सिर्फ एक ही धर्म है। ठीक है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पे धर्म का पालन करने तथा नारी को मर्यादित रहने के लिए बात कही गई थी। ठीक है, तो
हो सकता है कि उस समय समाज में जो है उस समय समाज की परिस्थितियों के अनुसार वो सही रहा हो, लेकिन ये वर्तमान परिस्थिति के अनुसार यहाँ पे नहीं ढलता है कि जो धर्म का पालन है, नारी को मर्यादित रहना चाहिए, वर्णाक्रम की बात जो कही है वो वर्तमान समय के हिसाब से वो न्याय संगत नहीं है। ठीक है, तो समग्रता अगर बात की जाए तो समग्रता जो है वो तुलसी की जो राम राज की अवधारणा है वो कुछ एक अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो छोड़कर जो है वो आधुनिक तथा कल्याणकारी राज्य का संगत है। तो इस प्रकार से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रतिपादित राम राज्य की अवधारणा का समालोचन कीजिए। उसमें हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास उस सामंतवादी दौर में रचना कर रहे थे जब शासक वर्ग सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि में लिप्त था। एक तरफ भुखमरी आम बात थी तो वहीं जनता को जो प्रताड़ित किया जाना था तथा शासक व समाज की दूरी तुलसी को व्यथित कर रही थी। ऐसे में तुलसी एक आदर्श राज्य को राम राज्य के माध्यम से प्रतिपादित करते थे। और राम राज्य में न किसी को रोग है, न ही दुख है, न ही कोई दुखी है और न ही कोई गरीब है, न ही दरिद्र को दुखी न दीना, तथा प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ पदार्थ जो है वो चाहिए, सभी सुलभ पदार्थ चाहिए, मतलब जो सामान्य जीवन के जीने के लिए जो सभी सुख सुविधाएं हैं वो सभी को यहाँ पे सुलभ होनी चाहिए। और राम अपने सेवकों को भी आदेश देते हैं कि यदि वे कुछ गलत करें तो सेवक उनका अनुसरण त्यागने के लिए स्वतंत्र है, यानी जौ अनित कछु भाखो भाई सौ मोहित त्याग बंधु बिसराई। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, वो प्रस्तुतिकरण किया गया है कि इसी प्रकार रामराज में सर्वत्र शांति व समानता का वातावरण है। तुलसी रामराज्य के माध्यम से उस अवस्था से मुक्ति की बात कर रहे हैं जहाँ खेत न किसान को, भिखारी को न भीख, ना ही वणिक को वणिज, न चाकर को चाकरी, तथा सबको सुंदर व विरूप शरीर प्रदान कर रहे हैं। और रामराज्य की यह अवधारणा निश्चित तौर पर नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित आदर्श राज्य के समकक्ष तथा ऐसी कल्पना तुलसी की स्पष्ट राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक चेतना की उत्कृष्टता को घोतक है। परंतु तुलसी के रामराज्य में कुछ ऐसी स्थितियों की भी कल्पना भी की गई है जो कि आज की दृष्टि से न्याय संगत नहीं कही जा सकती है। जैसे वर्णाक्रम पर इन्होंने बात किया, धर्म का पालन और नारी को मर्यादित रहने के लिए नारी का मर्यादा बात किया था। तो समग्रता अगर बात किया जाए तो तुलसी के जो रामराज की अवधारणा है कुछ एक अपवादों को छोड़कर जो है वो आधुनिक तथा कल्याणकारी राज्य के संगत है। तो ये भी हमारा जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, अभी हम अपना अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि ग है, तीन का ग है कि काव्यात्मक दृष्टि से कबीर की भाषा जो है वो अनुशीलन है, ये सिद्ध करना है कि काव्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जो कबीरदास जी की जो भाषा है वो अनुशीलन है, वो कैसे? देखिए, जो कबीर की जो भाषा है वो हिंदी कविता की आलोचना के विवाद का विषय रही है। आचार्य शुक्ल जो सम यानी इनके समान जो विद्वान हैं, जहाँ एक तरफ कबीर के उक्तियों की प्रशंसा करते हुए भी उनकी भाषागत साधारणता पर टिप्पणी करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो कबीर की जो भाषा है उनकी, हालांकि देखिए आपको पता होगा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा का डिक्टेटर भी कहा था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता भी होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है, कबीर की जो भाषा है वो हिंदी कविता की आलोचना में जो है वो विवाद का विषय रही है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के सम विद्वान जहाँ एक तरफ कबीर के उक्तियों की प्रशंसा करते हैं तो करते हुए भी उनकी जो भाषागत साधारणता, मतलब उनकी जो भाषागत जो साधारणता है पर टिप्पणी भी करते जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनकी भाषा को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। मतलब कि वाणी का डिक्टेटर मतलब कि इनको जो है वाणी पर जो है वो पूर्णतः है इनका जो शासन है वो स्थापित हो चुका है। मतलब वाणी को जिस प्रकार से ये भी प्रस्तुतिकरण करना चाहे कबीर सिंह कबीरदास जी वो कर सकते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी भाषा को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनको जो है वाणी का डिक्टेटर कहा, यानी वाणी पर इनकी जो है डिमांड जो पकड़ है वो पूरी तरह से हो चुकी है। तो कबीर की जो भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है वो कथ्यानुरूप शब्द चयन है, मतलब इनके जो शब्दों का जो चयन है कथा के अनुसार कथ्यानुरूप शब्दों का चयन है वो सबसे बड़ी विशेषता इनकी भाषा की है। और उनका जो आपने पढ़ा भी होगा, इससे पहले जो हमने सेशन लिया था उसमें मुतिया जो कुत्ते की बात की गई थी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उनका जो मुतिया शब्द का जो प्रयोग इतना प्रभावशाली है जो कि कुत्ते को सारी निहितता वफादारी को पाठक के सामने ऐसे चिवृत करता है मानो कोई कुत्ता स्वयं अपने मालिक के समक्ष जो है वो दुम हिलाते खड़ा हो। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि इनके जो मुतिया शब्द का जो प्रयोग है, ठीक है, इतना प्रभावशाली है जो कि कुत्ते की सारी निरीहता वफादारी को पाठक के सामने ऐसे
चिवृत करता है कि मानो वह कुत्ता स्वयं अपने मालिक के समक्ष दुम हिलाते खड़ा है। तो यहाँ पे शब्दों का कहा गया कि कथा के अनुसार इनके, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि कथा के अनुसार ये शब्दों का जो चयन है इनके, वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात हमने क्या देखी है कि दूसरी बात हमने देखी है कि ये जो इनकी कथा थी, जो मुतिया इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, इसमें कुत्ते की वफादारी से संबंधित इन्होंने बात कही थी, तो ऐसा उसमें दर्शाया गया था कि जैसे सामने प्रस्तुत होकर कुत्ता जो है अपने मालिक के सामने धूम हिला रहा हो, उसकी वफादारी के यहाँ पे इन्होंने बताया था। तो उनकी व्यंग्य जो क्षमता है वो अद्वितीय है, ठीक है। साधारण भाषा में जितने धाराक्षर व तर्कपूर्ण व्यंग उन्होंने किए हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है, जैसे कांकर पाथर जोर के, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तर्कपूर्ण व व्यंग किए हैं, जो व्यंग इनका है वो अद्वितीय है कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद दही बनाए ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। देखिए इस प्रकार के यहाँ पे व्यंग्य जब करते हैं कि मतलब कांकर पाथर जोड़ के जब इतना बड़ा मस्जिद बना दिया है, ठीक है, उस पर चढ़ के जो बाग देते हैं, ठीक है, जो अजाम करते हैं, तो उन पर भी व्यंग्य करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या खुदा जो है वो बहरे हैं जो इतनी तेज से जो चिल्ला रहे हैं। तो व्यंग्य करते हुए यहाँ पे ये मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो हैं वो सभी ऐसे चीज़ें हैं जो कि तर्कपूर्ण जो उनके व्यंग्य करने का जो तरीका है, जो शब्दों की प्रयुक्ति है, वो व्यंग्य क्षमता भी अद्वितीय है, ठीक है। तो अनेक चीज़ों पर जो जो इनको समाज में जो चीज़ें बुरी लगी, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तौर पर जो इनकी चीज़ें जिस क्षेत्र में इनको बुराई लगी, तो उनका क्या किया है कि बड़े ही रोचकपूर्ण से, बड़े व्यंग्य तरीके से उनका व्यंग्य किया है, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं कि कबीर ने स्वयं अपनी काव्यगत साधारणता स्वीकार की है और निरक्षर होने की जिक्र भी किया है। कबीर ये खुद मानते हैं कि हाँ, मैं जो काव्यगत जो मेरे होते हैं उसमें साधारणता रहती है, स्वीकार किया है और निरक्षर अपने, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि मैंने कागज को ना हाथ लगाया और ना ही अभी तक एक भी अक्षर अपने हाथों से लिखा है, तो वो चीज़ें आपने स्वयं ही अपने रचनाओं के माध्यम से कहते हैं कि ये स्वीकार करते हैं कि जो काव्यगत साधारणता वो स्वीकार करते हैं और निरक्षर होने का भी जिक्र करते हैं, तब भी सहज रूप से उनकी भाषा में जो प्रतीक अलंकार आदि समस्त काव्योचित तत्व जो है वो सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसके बाद भी जो काव्यगत जो विशेषता रहती है, जो अलंकारिक रूप से जो विशेषता रहती है, वो इनके काव्य में देखने को मिलती है। नाथपंथी उक्तियों में कहीं कहीं उलट वासियों व संधा भाषा, ठीक है, संघा भाषा का प्रयोग में अप्रतिम दोष व अबोधगम्यता की चर्चा आलोचकों ने की है, तब भी कहना न होगा कि भाषा पर जैसा अधिकार इस फक्कड़ का था वैसा किसी का भी नहीं। देखिए किस शब्दों का प्रयोग किया गया, फक्कड़। तो फक्कड़ यहाँ पे हम इस शब्द से अनचित रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, तो जब हिंदी विद्यार्थी होने के बाद भी अगर इन शब्दों का प्रयोग आप लोग करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ दर्शाता है कि आपने हिंदी में अच्छी पकड़ रखी है, यानी आपने हिंदी के हर एक पहलुओं को समझने का प्रयास किया है। तो भाषा में मानो इतनी हिम्मत ही नहीं कि इनकी किसी बात को नहीं कर सके, यानी भाषा के माध्यम से ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को प्रस्तुतिकरण करते थे। इन्होंने भाषा से जो कहलाना चाहा वो कहला दिया और जो बन पड़ा सीधे से सीधे नहीं तो दरेरा देकर, मतलब भाषा को तोड़ मरोड़ कर इन्होंने, इसलिए कहा गया पंचमेल खिचड़ी, इसलिए कहा भी गया कि कविता की उल्टी वानी बरसे कंबल भीगे पानी। तो यानी यहाँ पे पंचमेल खिचड़ी की बराबर इनकी जो भाषा थी, तो इन्होंने सभी शब्दों को यहाँ पे, सभी भाषाओं को यहाँ पे समान अहमियत दी है, सभी भाषाओं पर इनकी जो पकड़ थी वो बराबर थी और सभी भाषाओं में इन्होंने रचना की है। सूफी हो, चाहे नाथपंथी हो, चाहे वैष्णवपंथी हो, ठीक है, चाहे या फिर ब्रजभाषी हो या फिर अवधी हो, तो सभी भाषाओं पर इनकी पकड़ जो थी वो समान रूप से थी। कोई इन्हें संत कहता है तो कोई इन्हें कवि कहता है तो कोई इन्हें आध्यात्मिक रूप से गुरु कहता है, तो अलग रूप जो कि हमने अभी पढ़ भी लिया है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो हमने एक बार जो रिवाइज कर लेना है कि काव्यात्मक की दृष्टि से कबीर की भाषा में अनुशीलन कीजिए, तो कबीर की भाषा जो है वो हिंदी कविता की आलोचना में विवाद का विषय रही है। आचार्य शुक्ल सम विद्वान जहाँ एक तरफ कबीर की उक्तियों की प्रशंसा करते हुए उनकी भाषागत साधारणता पर टिप्पणी करते जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा को भोरी भोरी प्रशंसा करते हुए उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। और कबीर की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि कथानुरूप शब्द चयन उनका जो सबसे बड़ी विशेषता है। उनका मोतिया शब्द का प्रयोग इतना प्रभावशाली है कि जो कि कुत्ते को सारी निरीहता वफादारी को पाठक के सामने ऐसे चित्रित करता है मानो कोई कुत्ता स्वयं अपने मालिक के समक्ष दुम हिलाते हुए खड़ा है। उनकी व्यंग्य क्षमता अद्वितीय है। साधारण भाषा में जितने धारदार व तर्कपूर्ण व्यंग्य उन्होंने किए हैं वो अन्यत्र दुर्लभ हैं, जैसे कांकर पाथर जोर के मस्जिद दही बनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे बया बहरा खुदा है, ठीक है।
तो कबीर ने स्वयं अपनी काव्यगत साधारणता स्वीकार की है और निरक्षर होने का जिक्र किया है, तब भी सहज रूप से उनकी भाषा में जो है प्रतीक अलंकार आदि के समस्त काव्यचित तत्व जो है वो सम्मिलित होते दिखाई देते हैं। और नाथपंथी उक्तियों में भी कहीं कहीं पर उलट बासियों व संधा भाषा संघा भाषा का प्रयोग में अप्रतित्व दोष व अबोधगम्यता की चर्चा जो है आलोचकों ने की है। तब भी कहना ना होगा कि भाषा पर जैसा अधिकार इस फक्कड़ का था वैसा किसी और का नहीं। भाषा को भाषा में मानो इतनी हिम्मत ही नहीं कि इनकी जो किसी बात को नहीं कर सके, और इन्होंने भाषा से जो कहलवाना चाहा वो कहलवा दिया और बन पड़ा जो सीधे से सीधे नहीं तो दरेरा देकर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दरेरा देकर इस शब्द का प्रयोग जो है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो जो जो कि आपको समझनी है। तो चलिए अगले देखते हैं हम सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि करना अनिवार्य रहता है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 जो होता है वो करना अनिवार्य रहता है, ठीक है, बाकी आपको चुनना पड़ता है। तो निम्नलिखित गद्यांशों में से 150 शब्दों में अपने सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। देखिए तो यहाँ पे कुछ कहानी की जो पंक्तियों को दिया गया है उसके बाद में आपको इसकी प्रसंग के साथ में व्याख्या भी करनी है। तो लेकिन जैसे ही खबर शहर में पहुंची, वहां से मंत्रियों नेताओं अखबारवासी की गाड़ियों का तांता लग गया। आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक दिन में छट गए, पर शहरी गाड़ियों से उठने वाले धूल के बादल कई दिन तक मंडराते रहे। नेताओं ने गीली आंखों और रूधे हुए गले से क्षोभ प्रकट किया और बड़े बड़े आश्वासन दिए। अखबार नवीस आए तो दनादन उस साख को ढेर को ही फोटो खींच कर ले गए। दूसरे दिन अखबार में छाप कर घर घर पहुंचा भी दिया गया इस घटना का सचित्र ब्यौरा। किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा देखा। देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया पुत गई और चाय का घूंट भी कड़वा हो गया। शायद ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपट कर निकला, ओह हॉरिबल सिंपली इनह्यूमन, कब तक यह सब और चलता रहेगा। इस प्रकार से त जो है त करके यहाँ पर बताया गया कि और पन्ना जो है वो पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगियों की तरह अखबार का भी रद्दी में ढेर जा पड़ा। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि एक गांव की जो घटना है, एक गांव में जो है वो आग लगती है और गांव की आग लगने की वजह से वो कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो गांव जो है वो शहर के बगल में है, तो वहाँ पर जो नेता है, क्योंकि वहाँ पे वोट बैंक है, तो नेता जो है वो दनादन वो गाड़ियों से आते हैं और उनके साथ में मीडिया कवरेज भी उनके साथ आता है। तो मीडिया क्या करता है, फ़ोटो को खींच करके उसके बाद उसको खींच करके अखबार में लगा देता है, जबकि नेता का काम क्या होता है कि सहानुभूति लूट कर वहाँ भी वोट बैंक को वो सहारा लेते हैं, किस प्रकार से वोट बैंक को यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें दर्शाने की कोशिश की गई है। अगले दिन जब अखबार वाले पढ़ने वाले जब अखबार पढ़ते हैं तो सहानुभूति के साथ में जो देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे ओह, ठीक है, ओ हॉरिबल जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हॉरिबल सिंपली इनह्यूमन्स यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करके उसको अखबार की गड्डी के साथ में फेंक देते हैं। तो ये हमारी समाज में जो दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं घटती रहती हैं उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई साधारणतया। जैसे कि जो मन्नू भंडारी के जो महाभोज, ठीक है, उपन्यास है, ये मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास है, ठीक है। तो मन्नू भंडारी के महाभोज उपन्यास में तत्कालीन तथा वर्तमान राजनीति के विद्वानों का प्रकार विद्यताओं का प्रखर निरूपण किया गया है। राजनीतिक विडुप्ता के साथ साथ पत्रकारिता की स्थूलता तथा आम जन की मुख्यतः शहरी और मध्यम वर्ग का भाव विहीनता का चित्रण वहां मन्नू भंडारी में मार्मिक व व्यंग्यात्मक रूप में किया गया है। आइए देखते हैं व्याख्या कि जैसे ही आगजनी की खबर, आगजनी मतलब जो आग से लगी जो खबर है वो शहर में पहुंचती है, तो तुरंत क्या होता है कि मौके का जो लाभ उठाकर क्या होते हैं लौके का लाभ उठाकर नेता लोग क्या होते हैं कि गांव में पहुंचने लगते हैं गाड़ियों से, तथा उनके कवरेज देने के लिए क्या करती है कि मीडिया कर्मी भी उसको साथ में कवरेज देने के लिए उनके साथ आती है। और किसी को भी मृत्यु के दर्द में जरा भी सहानुभूति यानी सिंपैथी सहानुभूति नहीं है, फिर भी मृत्यु के चुनावी लाभ को जो है वो जहन में रखकर वो यहाँ पर आए हैं। और दूसरी बात कि शहरी तबका का गांव से इतना कटा हुआ है कि उसे मातम मनाने तक की फुर्सत नहीं है, ठीक है, रोज की भांति इस खबर को भी स्थूल अभिव्यक्तियों के लाद कर किनारे पर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे संक्षेप में आने इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा दिया है। अब विशेषता की बात किया जाए तो विशेषता क्या है कि विशेषता जो भाषा जो है वो साधारण बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का कथानुरूप किया गया है, पुट मिला हुआ है, जैसे हॉरिबल इत्यादि, ठीक है। और बात किया जाए कि महाभोज उपन्यास जो है वो सांकेतिक रूप में जो है वो बेल्दी,
ठीक है। बेलछी हत्याकांड से प्रेरित है तथा उसी का वर्णन यहाँ पर हुआ गया है। मीडिया के ये मीडिया व पत्रकारिता की सनसनीखेज प्रेमी प्रकृति को दर्शाया गया है और ये चीज़ें यहाँ पे थी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने समझ को इसको समझ भी लिया है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जैसे कि हमने देखा। ठीक है, तो इसके हम वहाँ उसको हम क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लंबा एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो मनु भंडारी की जो महाभोज है उसमें उपन्यास में तत्कालीन तथा वर्तमान राजनीति के विपदाओं का प्रखर निरूपण किया गया है। राजनीतिक विरूपता के साथ साथ पत्रकारिता की स्थूलता तथा आम जन की मुख्यतः शहरी व मध्यम वर्ग की भावविहीनता, मतलब यहाँ पे जो मध्यम वर्ग है और जो शहरीकरण है उसमें कोई यहाँ पे जो तालमेल है वो नहीं है। यहाँ पे बताने की कोशिश भी की गई है कि यहाँ पे कोई एक दूसरे को जो शहरी इतना भी फुर्सत नहीं है कि वो उसके सिंपैथी सहानुभूति दे सके, ठीक है, उसके गमों में शामिल हो सके, तो यहाँ पर उतना भी समय नहीं है। और चित्रण किया गया मनु भंडारी में मार्मिक व व्यंग्यात्मक रूप से इसका चित्रण किया गया है। जैसे ही आगजनी की खबर जो है शहर तक पहुँचती, तुरंत मौके पर लाभ उठाने के लिए नेता लोग गाँव पहुँचते तथा उनको कवरेज देने के लिए मीडिया कर्मी भी उनके साथ आ जाते हैं और किसी को भी मृत्यु के दर्द में जरा भी सहानुभूति नहीं है। फिर भी मृत्यु का चुनावी लाभ सबके जहन में है और शहरी का तबका गाँव में इतना कटा हुआ है कि उन्हें मातम मनाने की फुर्सत ही नहीं है और रोज की भांति इस खबर को भी स्थूल अभिव्यक्तियों से लाद कर किनारे पर रख दिया जाता है। विशेषता की बात किया जाए तो भाषा जो है वो साधारण बोलचाल की भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का भी कथ्यानुरूप प्रयोग मिला है, जैसे हॉरिबल इत्यादि। ठीक है, महाभोज उपन्यास सांकेतिक रूप में बेलछी हत्याकांड से प्रेरित है तथा उसी का वर्णन, जब आप लोग इसको उपन्यास को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सविस्तार पूर्वक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मीडिया व पत्रकारिता का जो है सनसनीखेज वो प्रेमी प्रकृति को दर्शाया गया है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो अगला है हमारा ख। ठीक है, ख को देखेंगे कि कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्णिम भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का असत के, सत से जड़ का, चेतन से और ब्रह्म जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। तो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि कविता की अहमियत को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो कविता है कविता के माध्यम से ही हम अंधकार से प्रकाश की ओर, ठीक है, असत्य से सत्य को और जड़ से चेतन को और बाह्य जगत को अंतर जगत से जो जोड़ने का जो कार्य करती है, ठीक है, जो इनके समन्वय का जो कार्य करती है वो क्या है? कविता ही एक ऐसा माध्यम है जो इनको जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो एक बार पढ़ भी लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण जयशंकर प्रसाद से ऐतिहासिक नाटक जो स्कंद गुप्त है से उद्धृत या फिर लिया गया है जहाँ मातृगुप्त कवि कर्म का वर्णन किया कर रहे हैं। ठीक है, मातृगुप्त जो है वो कवि कर्म का वर्णन कर रहे हैं, यानी कवि का कर्म क्या होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जो प्रस्तुत गद्यावतरण जो है वो जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंद गुप्त से उद्धृत है, मतलब लिया गया है और मातृगुप्त कवि कर्म का वर्णन कर रहे हैं। मातृगुप्त कहते हैं, मातृगुप्त क्या कहते हैं कि मातृगुप्त कहते हैं कि कविता तो समस्त आनंद की दायनी है, जो कविता है वो समस्त आनंद की दायनी है। यहाँ भावाभिव्यक्ति अपने सर्वोत्तम रूप में होती है, यानी भावों की अभिव्यक्ति जो होती है वो कविता के माध्यम से ही होती है, यानी कविता के माध्यम से ही अपने भावों को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भावाभिव्यक्ति है वो अपने सर्वोत्तम रूप में होती है और व्यक्ति को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। अंधेरे का उजाले से, सत्य का असत्य से और बाह्य जीवन का आंतरिक भावना या फिर आंतरिक जीवन से कविता कविता ही तो मेल कराती है। ठीक है, तो आप बताने की कोशिश की है कि मातृगुप्त कहते हैं कि कविता तो समस्त आनंद की दायनी है, यानी समस्त आनंदों को जो दायन करती है, जो देती है, वो कविता ही के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। यहाँ भावाभिव्यक्ति अपने सर्वोत्तम रूप में होती है और व्यक्ति को अपने असीम आनंद की प्राप्ति होती है। अंधेरे का उजाले से, सत्य का असत्य से और बाह्य जीवन का आंतरिक भावना या फिर आंतरिक जीवन से जो कविता ही तो मेल कराती है। अब विशेषता की बात करते हैं। देखिए, भाषा जो है वो तत्समीकृत, ठीक है, तत्समीकृत तथा चिंतन प्रधान है जो आम जन के लिए कुछ क्लिष्ट हो सकती है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से जो लिया गया जो शब्द है उसको तत्सम, जैसे तद्भव मतलब जो देसी भाषा में लोग यूज करते हैं, देसज भाषा। तो भाषा जो है तत्समीकृत है और चिंतन प्रधान मतलब चिंता करने योग्य जो है भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ बताया कि जो आमजन है उनके लिए क्लिष्ट हो सकती है, हो सकता है कि ये आमजन के लिए कठोर हो, ये भाषा समझ में ना आए। और ऐसा ही भाव कविता क्या है निबंध में जो है आचार्य शुक्ल द्वारा प्रकट किया गया था। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने भी कविता क्या है में जो है
इसी भाव को यहाँ पे प्रकट किया था, जहाँ उन्होंने कविता को भाव योग बताया था, ठीक है, भाव योग बताया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक पॉइंट है जिसको आपको प्लस पॉइंट दिला सकती है, आप ये कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक कविता को दूसरे माध्यम से और एक कवि की रचनाओं को दूसरे कवि की रचनाओं से यहाँ पे आप लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो आचार्य शुक्ल के विरुद्धों के सामंजस्य सिद्धांत की अभिव्यक्ति की बात किया जाए तो कविता की तुलना जो है वो चंद्रकला व संगीत से की गई है, अर्थात समस्त कलाओं में, अर्थात समस्त कलाओं का एक ही उद्देश्य परमानंद की अनुभूति बतलाया गया है, जिसे प्रसाद ने समरसता की स्थिति कहा है, ठीक है। कविता की जो तुलना है वो चित्रकला व संगीत से की गई है, अर्थात समस्त कलाओं का एक ही उद्देश्य परमानंद की अनुभूति है बताया गया है, जिसे प्रसाद ने समरसता की स्थिति को कहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कि यहाँ पे बताया गया कि जो कविता की जो तुलना होती है वो चित्रकला और संगीत से की गई है, ठीक है। क्यों? अर्थात जो है समस्त जो कलाओं का एक ही उद्देश्य क्या होता है, परमानंद, मतलब कि सभी कलाओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि परमानंद की अनुभूति प्राप्त करना, ठीक है, जिसे प्रसाद ने समरसता की स्थिति कहा है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रस्तुत जो गद्य अवतरण है वो जयशंकर प्रसाद, क्या था गद्य अवतरण, कि कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्णिम भावपूर्ण संगीत क्या गाया करता है, और अंधकार का आलोक से, असत का सत, जड़ से जड़ का चेतन से, बाह्य जगत का अंतर जगत के संबंध को कराती है कविता की, है ना। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से उद्धृत, जहाँ पे मातृगुप्त ने कवि कर्म का वर्णन करते हुए कहा कि मातृगुप्त कहते हैं कि कविता तो समस्त आनंद की दायिनी है, यहाँ भावाभिव्यक्ति अपने सर्वोत्तम रूप में होती है और व्यक्ति को असीम आनंद की प्राप्ति होती है, अंधेरे को उजाले से, सत्य का असत्य से और बाह्य जीवन का आंतरिक भावनाओं से कविता ही तो मेल कराती है। और विशेषता की बात में हमने देखा कि भाषा जो है वो तत्समीकृत तथा चिंतन प्रधान है, जो आमजन के लिए कुछ क्लिष्ट हो सकती है, और ऐसा ही भाव कविता क्या है निबंध में आचार्य शुक्ल द्वारा प्रकट किया गया था, जहां उन्होंने कविता के भाव योग को बतलाया था। आचार्य शुक्ल के विरुद्धों सामंजस्य सिद्धांत की अभिव्यक्ति की गई है और कविता की तुलना चित्रकला व संगीत से की गई है, अर्थात समस्त कलाओं का एक ही उद्देश्य परमानंद की अनुभूति करना है, जिसे प्रसाद ने समरसता की स्थिति कहा है। तो ये चीज़ें, ये हमारा क्वेश्चन भी समाप्त होता है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो गह है कि नर्क में पिछले सालों में बड़े गुड़ी कारीगर आ गए, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया, ओवरसीयर है जिन्होंने उस मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं, इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी। देखिए यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि जो सरकारी दस्तावेज, जो पैसे होते हैं उसका किस प्रकार से, जो बिचौलिए होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी, कई भ्रष्ट कर्मचारी होते हैं, वो किस प्रकार से उसका अनीतिपूर्वक जो है पैसों का वहन करते हैं, उसमें कई लोग जो है क्या होता है कि कई बार क्या करते हैं कि जो सामाजिक सेवक होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो फर्जी डिग्री बना करके, कागजातों को बना करके वो पैसे को हड़प लेते हैं। तो उसी पर व्यंग्य करते हुए हरिशंकर परसाई ने इसको यहाँ पे अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा कि हरिशंकर परसाई जी ने समस्त सामाजिक, राजनीतिक व विद्वताओं का वर्णन अपने व्यंग्यों के माध्यम से किया है। यहाँ वे भोला राम का जीव, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वे भोला राम के जीव के माध्यम से जो है वो रिश्वतखोरी को उद्धृत कर रहे हैं, यानी रिश्वतखोरी किस प्रकार से हमारे वर्तमान समय में सामाजिक रूप से जो विपन्नता है, ठीक है, उसके रूप में उभरी है, उसको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि भोला राम के जीव को ढूंढने निकला चित्रगुप्त नर्क के माध्यम से भ्रष्टाचार को वर्णित कर रहा है। देखिए किस प्रकार से शब्दों की जो प्रयुक्ति है, किस प्रकार से यहाँ पे घुमा फिरा के कहा है कि भोला राम के जीव को, ठीक है, जीव जो मतलब कि जब हम मर जाते, जो हमारी आत्मा होती, तो भोला राम के जीव को ढूंढने निकला चित्रगुप्त, ठीक है, चित्रगुप्त जो है वो नर्क के माध्यम से भ्रष्टाचार को वर्णित कर रहा है और क्या कहता है कि ठेकेदार पर व्यंग करते हुए वह बताता है कि कैसे सरकारी पैसों का जो दुरुपयोग है वो रद्दी इमारतों को बनाने में होता है और इंजीनियर ठेकेदार सब मिलकर झूठे दस्तावेज तैयार कर पैसा अपनी जेब में भर लेते हैं तथा जो काम होता है वह अत्यंत निम्न दर्जे का होता है। इस प्रकार से हम बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे व्यंग्य जो है वो वर्तमान समय के भ्रष्टाचार को, ठीक है, बताया गया है कि ठेकेदार जो होता है
व्यंग करते हुए ठेकेदार पर वो बताता है कि कैसे सरकारी पैसों का जो दुरुपयोग वो रद्दी इमारतों को बनाने में होता है। ठीक है, इंजीनियर ठेकेदार सब मिलकर झूठे दस्तावेज तैयार कर पैसा अपनी जेब में भर लेते हैं तथा जो जो काम होता है वो अत्यंत निम्न दर्जे का होता है। इस प्रकार से हमें बताने की कोशिश की गई है। विशेषता की बात करें तो सहज भाषा में प्रखर व्यंग करना जो है वो हरिशंकर प्रसाद जी की विभेदक विशेषता है। भाषा में फारसी प्रचलित शब्दों का भी परहेज नहीं किया गया है और ऐसे ही चित्रण जो है वो शरद जोशी जी के निबंधों व कहानियों में भी दिखता है। ठीक है, तो ये थी जो कि हमने पढ़ी, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि हरिशंकर प्रसाद जी ने समस्त सामाजिक राजनीतिक और विद्वताओं का वर्णन अपने व्यंगों में किया है। यहाँ पे भोला राम के जीव के माध्यम से जो है वो रिश्वतखोरी को उद्धृत कर रहे हैं और कहते हैं कि भोला राम के जीव को ढूंढने निकला चित्रगुप्त नर्क के माध्यम से भ्रष्टाचार को वर्णित कर रहा है और कहता है कि ठेकेदार पर व्यंग करते हुए वो बताता है कि कैसे सरकारी पैसों का दुरुपयोग रद्दी इमारतें बनाने में होता है। ठीक है, और इंजीनियर ठेकेदार सब मिलकर झूठे दस्तावेज तैयार कर पैसों को अपने जेब में भर लेते हैं तथा वे जो काम करते हैं वो अत्यंत ही निम्न दर्जे का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे व्याख्या भी कर दिया हमने। विशेषता की बात हमने की जाए तो सहज भाषा में प्रखर व्यंग, देखिए प्रखर व्यंग जो करना है वो परिसाई जी की क्या है, विभेदक विशेषता के अंतर्गत आती है। और भाषा में फारसी शब्द का जो प्रचलन है वो शब्दों में परहेज नहीं किया गया है। ठीक है, फारसी शब्दों का भी यहाँ पे प्रयोग उच्चतम मात्रा में किया गया है और ऐसी ही चित्रण जो है वो शरद जोशी जी के निबंधों व कहानियों में भी दिखते हैं। अगला देखते हैं अपना घर जो क्वेश्चन है कि देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जागे तो कब जागोगे, मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए। अब राजा ने प्रजा स्वत्व पहचाना, विद्या की चर्चा फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई, तुमको उस पर भी वह सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्मपत्री की विधि, वही थोड़े से संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यनाशी चाले, हाय अब भी भारत की यह दुर्दशा। तो देखिए यहाँ पे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो भारत दुर्दशा लिखी गई थी वहाँ पे बताया गया है कि अब जो है वो अंग्रेजों का शासन वो ख़त्म होने वाला है, अब भी अगर नहीं जागे तब तुम्हारा भारत जो है वो नाश निश्चित है भारत के लोगों। अब जो वर्तमान समय में अगर देखा जाए, उस समय की बात की जा रही है, तो वहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से जो समाज है वो विकसित हो चुका है, जो समाज में तकनीकी है, जो शिक्षा का विकास है, जो स्तर है, ठीक है, वो विकास हो चुका है, काफ़ी विकास हो चुका है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे भारत देश में अब भी वही बातें हैं कि भांग की गोली, ग्राम गीत, वही बाल विवाह, वही भूत प्रीत पूजा पाठ, वही चीज़ें, वही आडंबर, वही जो है पुरानी जो है, यहाँ बताया गया है कि पुरानी जो गलत फहमियाँ हैं उसी में हम फंसे पड़े हैं, पुराने झगड़े फसाद में हम, पूजन पत्री की वही विधि, थोड़े संतोष, गप हाँकने की प्रीति, सत्यनाशी चले, तो वही सत्यनाशी चले हैं, मतलब एक दूसरे से चल रहे हैं। तो यहाँ पे भारत का विकास इस प्रकार से नहीं हो सकता है और अंग्रेज हम पर शासन तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे अंदर से खुद से वो चीज़ें हम उत्साहित नहीं होते हैं, जब तक हम खुद का विकास नहीं चाहेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। तो वहीं इस चीज़ को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि प्रस्तुत गद्यावतरण जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक जो है वो भारत दुर्दशा से उद्धृत है, यानी लिया गया है, यानी उद्धृत है। यहाँ भारतेंदु आधुनिकता के आगमन का संकेत करते हुए आवाहन कर रहे हैं कि समस्त बुराइयों का त्याग कर आगे बढ़ने का समय आ गया है। ठीक है, तो वही चीज़ें बताने की कोशिश की, प्रस्तुत गद्यावतरण में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है कि नाटक जो भारत दुर्दशा है कि उद्धृत है, ठीक है, भारत दुर्दशा से उद्धृत है, यहाँ भारतेंदु आधुनिकता के आगमन का संकेत करते हुए आवाहन कर रहे हैं कि यानी आधुनिकता जो है वो आ चुकी है, आधुनिकता का आगमन का संकेत करते हुए आवाहन करते हैं कि समस्त बुराइयों को त्याग कर आगे बढ़ने का समय अब आ चुका है। ठीक है, तो पश्चिम की शिक्षा, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा तर्क व आधुनिकता पर आधारित है। जो पश्चिम की जो शिक्षा है वो तर्क है, ठीक, रीजनेबल और आधुनिकता पर, ठीक है, मॉडर्निटी पर आधारित है। अब सामंती शासन का अंत हो चुका है तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको प्राप्त हो चुका है। अगर अब भी हम नहीं सुधरे तो भारतवर्ष का विनाश निश्चित है। हम अभी भी उन्हीं बाल विवाह, ज्योतिष आदि पाखंडों से लिपटे हैं, जबकि हमें आधुनिक तर्कशील वैज्ञानिक शिक्षा को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सहज, अब विशेषता की बात कर लेते हैं, कि सहज सुबोध खड़ी बोली जिसमें आरंभिकता के कुछ लक्षण जो है विद्यमान है, जैसे चर्चा,
बाली गीत इत्यादि, ये क्या है, सहज सुबोध खड़ी बोली का इसमें उपयोग भी किया गया है और नवजागरण से प्रेरित आत्ममूल्यांकन का भाव भी यहाँ पे प्राप्त होता है। और अंग्रेजी शासन का स्वरूप जो है तब स्पष्ट नहीं हुआ था, इसलिए इसके प्रति सम्मान का भाव दिखता है। तो ये चीज़ें थी जो कि अभी तक हमने समझी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो अंग है, तो उसको हम देखते हैं। तो अंग है कि जब समस्त हिंदू जाति एक वैदिक संप्रदाय न रही तो वह मसल चरितार्थ हुई कि एक नारी जब दो से फंसे जैसे 70 वैसे 80, हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक खंड हुए, अब तक नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, देखिए इनके जो नवजागरण से प्रेरित जो 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 निबंध था उसमें बालकृष्ण भट्ट ने बताया है कि किस प्रकार से जो वेद पुराण थे हमारे हिंदू धर्म का जिस प्रकार से वो उल्लेख करते थे, वर्तमान समय में हिंदू धर्म का जो वेदों से जो संबंध था वो टूट चुका है। अब नए नए जो है यहाँ पर नए नए जो है कहा गया है कि जो भूतकाल में जो हमने जो संस्कृति सीखी थी जो वेदों से उसको हम भूल करके अब उसके नए कई खंड हो गए हैं और कई खंडों की वजह से नए नए विचार जो है उभर कर वो सामने आ रहे हैं। तो ये कहने के बाद बताई गई है कि प्रस्तुत गद्यावतरण में बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है से उद्धृत किया गया। ठीक है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है ये निबंध है, किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिया गया है, यहीं से ये उद्धृत किया गया नहीं लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यावतरण जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है से उद्धृत है। यहाँ लेखक जो है वो नवजागरण से प्रेरित आत्मावलोकन मतलब खुद का अवलोकन के भाव से वर्तमान दुर्दशा पर भूतकालीन परिस्थितियों के आलोक पर विचार कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो निबंध लिखा गया था साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये उससे उद्धृत किया गया है। और इसमें यहाँ लेखक बताना चाहते हैं, कौन, बालकृष्ण भट्ट जी बताना चाहते हैं कि नवजागरण से प्रेरित ये आत्मावलोकन यानी खुद का अवलोकन करने के भाव से प्रेरित वर्तमान दुर्दशा पर, जो वर्तमान भारत की दुर्दशा है उस पर जो है भूतकालीन परिस्थितियों के आलोक पर विचार करने का यहाँ पर बताया गया, यानी भूतकाल परिस्थिति और वर्तमान की परिस्थितियों को यहाँ पर बताया गया है। तो भट्ट जी कहते हैं कि जब हिंदू जाति ने वेदों का त्याग कर दिया था, ठीक है, जब हिंदू जाति ने वेदों का त्याग कर दिया था और नए नए ग्रंथों पर आस्था बढ़ने लगी थी, सबके अपने विभिन्न मत प्रकट हुए और नए नए धर्म विकसित होने लगे, प्राचीन हिंदू धर्म कई हिस्सों में बट गया। वही कहने का मतलब है कि जब हिंदू जाति जो है वेदों का जब त्याग करके नए नए ग्रंथों पर आस्था रखने लगी तो सबके अपने अपने क्या होने लगे, सबके डेफिनेटली यहाँ पे सब अपने अपने विचार होने लगे, सबके अपने अपने मत होने लगे, तो वो मत जो है वो समाज के समक्ष आने लगे और नए नए धर्म का यहाँ से विकास हुआ, जिससे प्राचीन हिंदू धर्म जो है वो कई हिस्सों में बट गया है। विशेषता की बात किया जाए तो लोक भाषा का सुंदर प्रयोग जिसमें मुहावरों को प्रमुख स्थान दिया जाता है और सहज सुबोध तथा भाषा जो है उपयोग किया गया, सहज सुबोध का भाषा यहाँ पर उपयोग किया गया है। अन्य मतों व धर्मों के प्रति निम्नता का भाव यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं तो आप जो है दोनों पहलुओं को, जो लाभ है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, जो सामाजिक तौर पर आज के समाज में जो है जस्टिफाई नहीं करती हैं, उसको भी आप यहाँ पर डिफाइन कीजिए कि ये अन्य मतों व धर्मों के प्रति जो है वो निम्नता का भाव दिखता है इसमें। ठीक है, अब नवजागरण व राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदर्श से प्रेरित इतिहास के गौरवमयी चित्रण का भाव प्रकट किया गया है। बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नवजागरण का व राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदर्शवाद से प्रेरित है ये निबंध और इतिहास के गौरवमयी चित्रण का भाव प्रकट किया गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास से उद्धृत है और यहाँ लेखक नवजागरण से प्रेरित आत्मावलोकन के भाव से वर्तमान दुर्दशा पर भूतकालीन परिस्थितियों के आलोक में विचार कर रहा है। और भट्ट जी कहते हैं कि जब हिंदू जाति ने वेदों का त्याग कर दिया था और नए नए ग्रंथों पर आस्था बढ़ने लगी थी तो सबके अपने भिन्न मत प्रकट हुए और नए नए धर्म विकसित होने लगे, प्राचीन हिंदू धर्म कई हिस्सों में बट गया। विशेषता में हमने देखा कि लोक भाषा का सुंदर प्रयोग जिसमें मुहावरों का प्रमुख स्थान दिया गया है और सहज एवं सुबोध यहाँ पे भाषा का उपयोग किया गया है। अन्य मतों व धर्मों के प्रति यहाँ पे निम्नता का भाव दिखता है, साथ ही साथ में नवजागरण व राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदर्शवाद से प्रेरित इतिहास के गौरवमय चित्रण का यहाँ पे भाव प्रकट किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि दर्शन के प्रसाद की गहरी अभिरुचि थी जिसे उसे
जिसे उन्होंने अपने रचनाओं में घुला दिया। स्कंदगुप्त के संदर्भ में विचार कीजिए, दर्शन में प्रसाद की गहरी अभिरुचि थी जिससे उन्होंने अपनी रचनाओं में घुला दिया। स्कंदगुप्त के संदर्भ में विचार कीजिए, तो ये इन्होंने प्रश्न को छोड़ दिया है, तो यहाँ पे हम डिस्कशन बाद में इसको कराएंगे। तो चलिए आठवां का क देखते हैं। आठवां के क में है कि मोहन राकेश का लक्ष्य जो था वो हिंदी में मौलिक रंगमंच की स्थापना करना था, और अपने नाटक आषाढ़ का एक दिन में वे अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में कहाँ तक सफल हो सके। यहाँ पूछा गया कि मोहन राकेश का क्या लक्ष्य था कि हिंदी में मौलिक रंगमंच की स्थापना करना था, और उनके नाटक का जो नाटक लिखा था उन्होंने आषाढ़ का एक दिन, वे अपने लक्ष्य पर कहाँ तक प्राप्ति कर सके, सफल हो सके। तो मोहन राकेश उन नाटककारों की परंपरा में आते हैं जिसका सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ हुआ तथा जो मंचन को नाटक का अभिन्न अंग मानते थे। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो मोहन राकेश है वो उन नाटककारों की परंपरा में आते हैं जिसका जो सूत्रपात हुआ था, जहाँ से उत्पन्न हुए थे, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ से हुआ था। ठीक है, यहाँ पे यह भी बताया गया कि जो मंचन को एक नाटक का अभिन्न अंग मानते हैं, कि अगर हमें किसी रचना को अगर हमें दिखाना है, संबोधित करना है, भावानुभूल करना है, तो हमें उसको नाटक को जो है मंचन के माध्यम से, मतलब मंच के माध्यम से उसको प्रस्तुत करना किया जाना चाहिए। मोहन राकेश ने अपने लेखों में आषाढ़ का एक दिन की भूमिका में अपने रंगमंचीय विचारों को अभिव्यक्त किया है। उनका उद्देश्य जो है वो अंग्रेजी व पाश्चात्य रंगमंच जो कि तकनीकी पर आधारित था, से प्रत्येक मानव व शब्द तत्व पर आधारित मौलिक हिंदी रंगमंच की स्थापना करना था। ठीक है, तो उनका क्या उद्देश्य था, तो उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजी व पाश्चात्य रंगमंच जो कि तकनीकी पर आधारित था से पृथक, मतलब कि उन्होंने वो चाहा है कि वो जो पाश्चात्य रंगमंच था, जो अंग्रेजी रंगमंच था जो कि तकनीकी पर आधारित था, जहाँ पर देखते होंगे कि आपके पर्दे का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से होता है, इसके बाद अचानक से मेघ बरसने लगता है, मेघ गरजने लगता है, या फिर अचानक से जो लाइटिंग इफेक्ट होता है, मतलब जो उजाला प्रकाश, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे इससे पृथक जो है ये इन्होंने रंगमंच तैयार किया। तो इससे पृथक मानव व शब्द तत्व पर आधारित मौलिक हिंदी रंगमंच की स्थापना करना था, और हिंदी रंगमंच की स्थापना करना था, और आषाढ़ का एक दिन उनका यह प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहा। ठीक है, तो आषाढ़ का एक दिन में जो है समस्त दृश्य जो है वो मल्लिका के घर के ही है, तथा कुछ साधारण सामान जैसे चारपाई, दो चादरें, दो दीपक आदि से मंच सज्जा संपन्न हुई है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है, लेखक के पूछने का मतलब ये है, जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, तो इसने ये आपको इसे 250 वर्डों में ही आपको डिफाइन कर देना है, और यहीं 250 वर्डों में आपका ये पता चल जाएगा कि हाँ आपने इस कहानी को कहाँ तक, किस स्तर तक, किस हद तक पढ़ा है। तो वो चीज़ें जब आप डिफाइन करेंगे, तो यहाँ देखिए इन्होंने पढ़ा था, और 200-250 शब्दों, यहाँ पे कितने शब्द होते हैं, कई हज़ारों शब्द होते हैं, हज़ारों शब्दों को 200-250 शब्दों में हमें यहाँ पे समेट कर लिखना है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमें 200-250 शब्दों में इसको समेट कर लिखना है, संदर्भ व्याख्या और विशेषता सहित। ठीक है, इस बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो एग्जामिनर सिर्फ यही चीज़ें समझना चाहता है कि जो आपने साल भर में पढ़ा है उसको आप समेटने की शक्ति किस प्रकार से, आप किस प्रकार से समेट सकते हैं 250 शब्दों में, परिभाषा और संदर्भ व्याख्या सहित कैसे इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो अंतिम दृश्य तक आते आते क्या हुआ कि चादरें कुछ फट जाती हैं तथा एक दीपक बुझ जाता है जो कि अंबिका के मृत्यु का घोतक होता है। अब जब आप इसको कहानी को पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इस प्रकार साधारण साधनों पर मंच जो था वो आधारित था। अब ध्वनि तत्व का सफल प्रयोग वहाँ मेघों के समयानुकूल गर्जन में तथा कालिदास के कश्मीर गमन के समय जो घोड़े की टापों की आवाज़ में दिखता है, जहाँ ध्वनि की सघनता से आशा और फिर विरलता से, यानी ध्वनि की अगर सघनता हो जाए तो वहाँ पे आशा दिखती है, और अगर ध्वनि जो है बहुत कम आती है तो वहाँ पे निराशा का जो है वातावरण वो निर्मित होता है। इसी प्रकार अभिनय संकेतों का, आंगिक क्रियाओं का सफल प्रयोग रंगमंच के मानव तत्व की सफलता का घोतक है, यानी इसी प्रकार जो है वो अभिनय संकेत यहाँ पे उपयोग किया गया है और मानव क्रियाओं का यहाँ पे सफल प्रयोग किया गया है जो कि मानव तत्व की सफलता का घोतक है। और मल्लिका द्वारा विभिन्न परिस्थितियों के विभिन्न तरह के होठ चबाए जाने का राकेश का अद्वितीय प्रयोग है। ठीक है, जब यहाँ पे खाने खाते समय, ठीक है, तो वहाँ पे वोट को जो चबाने का जो यहाँ पे बताया गया कि जो आवाज़ निकलती है उसका जो प्रयोग यहाँ पे इन्होंने अपनी निबंध में किया है, तो वो उसका एक अद्वितीय प्रयोग है। कश्मीर व उज्जैनी का जो मात्र सूचित होना, कश्मीरी व उज्जैनी का भाव सूचित होना, जहाँ कालिदास के अंतिम अंक के लंबे स्वागत, लंबे अस्थगत
कथनों को सार्थक करता है, वही संवाद योजना का कसावट पाठकों को विस्मित करता है। किस प्रकार से यहाँ पे शब्दों को जो है बांध के रखते हैं, ठीक है, तो वो पाठकों को विस्मित करता है। और कहना ना होगा कि कहीं हिंदी के मौलिक रंगमंच का उनका स्वप्न जो था वो साकार करने में उन्होंने सार्थक प्रयास किया, जो अभी तक क्या है कायम है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो हमने क्या पढ़ा कि मोहन राकेश उन नाटककारों की परंपरा में आते हैं जिसका सूत्रपात क्या था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ हुआ था, जो मंचन को जो है वो नाटक को अभिनंग मानते हैं। मोहन राकेश ने क्या किया कि बेसिकली मोहन राकेश ने अपने लेखों में वह आषाढ़ का एक दिन की भूमिका में अपने रंगमंची विचारों को अभिव्यक्त किया। उनका उद्देश्य अंग्रेजी पाश्चात्य रंगमंच जो कि तकनीकी पर आधारित था, पृथक मानव व शब्द तत्व पर आधारित मौलिक हिंदी रंगमंच की स्थापना करना था, और आषाढ़ का एक दिन उनमें से इसका एक उदाहरण है। आषाढ़ का एक दिन समस्त दृश्य मल्लिका के घर के ही तथा कुछ साधारण सामान तथा जैसे चारपाई, दो चादरें, दीपकों आदि से मंच जो है वो सज्जा जो है संपन्न किया गया, यानी सजाया गया है। और अंतिम दृश्य आते आते चादरें कुछ फट जाती है तथा एक दीपक बुझ जाता है जो अंबिका के मृत्यु का द्योतक है। इस प्रकार साधारण साधनों पर मंच आधारित है। ध्वनि तत्व का सफल प्रयोग किया गया है मेघों के समय अनुकूल गर्जन में तथा कालिदास के कश्मीर गमन के समय घोड़े की टापों की आवाज़ों में दिखता है। और जब ये कहानी के अंतर्गत है, जब आप पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा। जहाँ ध्वनि की सघनता से आशा, और यदि ध्वनि की सघनता है तो वहाँ पे आशा दर्शाई जाती है, यानी विरलता है तो निराशा का वातावरण निर्मित होता है। इसी प्रकार अभिनय संकेतों के व आंगिक क्रियाओं का सफल प्रयोग रंगमंच के मानव तत्व की सफलता का द्योतक है। और मालिका द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरह के होठ चबाए जाने से राकेश का अद्वितीय प्रयोग माना जाता है। और कश्मीर व उज्जैनी का मात्र भाव, माफ कीजिएगा, कश्मीरी और उज्जैनी का भाव सूचित होना तथा जहां कालिदास के अंतिम अंग के लंबे अस्थगत कथनों को सार्थक करता है, वहीं संवाद योजना का कसावट पाठकों को विस्मित करता है। ठीक है, यानी बांधे रखने की क्षमता इनमें, कहानी में, इनके निबंध में बहुत अच्छी तरीके से है। और कहना ना होगा कि हिंदी के मौलिक रंगमंच का उनका स्वप्न जो था वो साकार करने में उन्होंने सार्थक प्रयास किया है, जो कि अभी भी कायम है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि स्कंदगुप्त का है कि स्कंदगुप्त जो है वो नाटक के नामकरण की उपयुक्तता पर विचार कीजिए, यानी स्कंदगुप्त का नाम स्कंदगुप्त ही क्यों रखा गया। आप जब स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें कहानियाँ होती है, तो स्कंदगुप्त जो नाटक है उसका नामकरण स्कंदगुप्त ही क्यों पढ़ा, उपयुक्तता पर विचार कीजिए। ठीक है, यही नाम क्यों उपयुक्त था उस पर विचार करना है आपको। तो रचना चाहे नाटक हो या उपन्यास या फिर कोई पद्य, या मूलतः नाम जो होता है ऐसा होना चाहिए जो रचना के मूल प्रतिपाद को पाठक तक संप्रेषित करने सफल होने जो सफल हो तथा संक्षिप्त हो तथा रचनाकार की प्रगतिशीलता का द्योतक हो। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि रचना चाहे जो हो, चाहे वो नाटक हो, उपन्यास हो, या फिर कोई गद्य हो, या फिर कोई पद्य हो, लेकिन उसका जो नाम होना चाहिए वो रचना के मूल प्रतिपाद को, मतलब मूल को उसको दर्शाए। ठीक है, दूसरी बात कि वो पाठकों तक संप्रेषित हो जाए कि हाँ इसके कहानी में है क्या। ठीक है, स्कंदगुप्त कहने का मतलब है क्या। और जो संक्षिप्त हो, तीसरी बात क्या है कि वो संक्षिप्त हो और वो जो रचनाकार के प्रतियोगिता माफ कीजिएगा प्रयोगशीलता को यहाँ पे घोता को यानी दर्शाता हो। ठीक है, तो प्रसाद के समक्ष जो तो है, यूँ तो चरित्र प्रधान नाटकों की कोई सुदीर्घ परंपरा नहीं थी, तब भी स्कंदगुप्त नाम का चयन उनके द्वारा पश्चिमी नाट्य परंपरा व संस्कृत नाट्य परंपरा के सम्मिश्रण को दर्शाता है। यहाँ बताने की कोशिश की गई कि जो प्रसाद जी थे तो उनके जो समक्ष जो है यूँ तो चरित्र प्रधान नाटकों की कोई सुदीर्घ परंपरा नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो जो जिसमें चरित्र प्रधान होता है उसी के नाम पे जो है उसका नामकरण कर दिया जाए, ये कोई विशेषता तो नहीं थी। लेकिन जो स्कंदगुप्त नाम इसका रखा गया है, ठीक है, जो नाटक का नाम स्कंदगुप्त रखा गया है वो पश्चिमी नाट परंपरा व संस्कृत नाट परंपरा का सम्मिश्रण को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का ध्यान रखा गया है, जो पश्चिमी नाट परंपरा, जो जिस प्रकार की जो पश्चिमी देशों में जो नाट परंपरा होती है, जो संस्कृत नाट परंपरा होती है, उसके सम्मिश्रण को दर्शाता है। जब आप पढ़ेंगे तो उसके उद्देश्यों को यहाँ पे पता चलेगा। तो उन्होंने अपने मूल उद्देश्य जो है वो सांस्कृतिक आदर्शवाद व राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का दारोमदार जिस पर चरित्र डाला वह स्कंदगुप्त ही है। वह वीर पराक्रमी युवक है जो नायकोचित गुणों से संपन्न है। देखिए, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो स्कंदगुप्त था, इसमें जो स्कंदगुप्त व्यक्ति है वो क्या है कि वो जो है वो आदर्शवाद, देश की सांस्कृतिक आदर्शवाद व राष्ट्रीयता का अभिव्यक्त करता है, यानी दर्शाता है, उसको सामने प्रकट करता है। और
वह जो है उसके चरित्र पर इसलिए डाला गया है क्योंकि वह वीर है, पराक्रमी है, वीर पराक्रमी युवक है जो कि नायकोचित गुणों से संपन्न है, इस वजह से स्कंदगुप्त पर रखा गया है। स्कंदगुप्त इसका नाम रखा गया क्यों? क्योंकि जो स्कंदगुप्त है वो क्या है कि आदर्शवाद, राष्ट्रीयता और भारतीय राष्ट्रीयता का सांस्कृतिक का वो क्या है, घोतक है, वो उसका यहाँ पर घोतक है, उसको दर्शाता है, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, स्कंदगुप्त रखा गया है। प्रसाद का उद्देश्य जो है वो स्थूल एकालंबी चरित्र का सृजन नहीं बल्कि, ठीक है, प्रसाद का ये उद्देश्य नहीं था कि स्थूल और एकावलंबी चरित्र का सृजन करना नहीं था, बल्कि दर्शनानुसार मानवोचित चरित्र या सृजन करना था। ठीक है, दर्शन के अनुसार जो है वो मानवोचित के चरित्र और चरित्र का जो है वो सृजन करना था। उन्होंने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के अवलंबन की भी उन्होंने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के अवलंबन भी स्कंदगुप्त को बनाया तथा उसे मानवोचित द्वंद्वों से युक्त बताया, जिसे बौद्धों का निर्माण, योगियों की समाधि व पागलों की विस्मृति का एक साथ चाहिए। ठीक है, नाटक का नाम जो है वो देवसेना भी रखा जा सकता था, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे ये भी बताना है, क्रिटिसिज्म करके ये भी बताना है कि इसका नाम ये भी रखा जा सकता था, लेकिन इसका नाम रखा क्यों नहीं गया उसको भी आपको बताना है। ठीक है, तो सभी पहलुओं को जो मैं बार बार समझा रहा हूँ कि आपको सभी पहलुओं को समझा के लेके चलना है संक्षेप में, तो नाटक का नाम देवसेना भी रखा जा सकता था, लेकिन क्योंकि वह सबसे सशक्त चरित्र बनकर उभरी है पर तब राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की उपलब्धि पूर्ण नहीं हो पाती, लेकिन जो सांस्कृतिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक और जागरण की जो उपलब्धि है जो कि स्कंदगुप्त के द्वारा दिखाई गई है वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाती है, इस वजह से यहाँ पर इसका इसको ध्यान में रखकर स्कंदगुप्त इसका नाम रखा गया है। इसी प्रकार कोई घटना प्रधान नाम पर कथ्य को संपूर्णता में व्यक्त नहीं कर पाता क्योंकि नाटक किसी एक घटना पर आधारित नहीं है। यहाँ पर बताया कोशिश की गई है कि कोई भी घटना जो है वो प्रधान नाम पर, मान लीजिए कोई प्रधान नाम है तो उस पर आप आधारित नहीं कर सकते क्योंकि जो नाटक होती है उसमें कई घटनाएं होती है, तो हम कई घटनाओं में सभी चीज़ों को यहाँ पे एनालिसिस करके, सभी चीज़ों को यहाँ पे विभेद करके, तो जो जिसमें हमें राष्ट्रीय एकता की भावना, सांस्कृतिक भावनाएं दिखती है उसी के नाम पर आधार पर हम यहाँ पे इसका नामकरण करते हैं। अतः स्कंदगुप्त जो है वो संपूर्णतः उपयुक्त नाम है जो कि ऐतिहासिकता, दर्शन व राष्ट्रीय चेतना को एक साथ व्यक्त करता है। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कंदगुप्त जो है वो संपूर्ण उपयुक्त नाम है जो कि ऐतिहासिकता दर्शन व राष्ट्रीय चेतना को एक साथ व्यक्त करता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि रचना चाहे नाटक हो, उपन्यास हो या फिर कोई पद्य रचना, मूलतः नाम ऐसा होना चाहिए जो रचना के मूल प्रतिपाद को पाठक तक संप्रेषित करने में सफल हो, जो संक्षिप्त हो तथा रचनाकार का प्रयोगशीलता का घोतक हो। और प्रसाद के समक्ष यूं तो चरित्र प्रधान नाटकों की कोई सुदीर्घ परंपरा नहीं थी, तब भी स्कंदगुप्त नाम का चयन उनके द्वारा पश्चिमी नाट्य परंपरा व सांस्कृतिक नाट्य परंपरा के समिश्रण को दर्शाता है। उन्होंने अपने मूल उद्देश्य सांस्कृतिक आदर्शवाद, राष्ट्रीयता तथा अभिव्यक्ति का दारोमदार जिस चरित्र पर डाला है वह स्कंदगुप्त ही है। वह वीर पराक्रमी युवक है जो कि नायकोचित गुणों से संपन्न है। प्रसाद का उद्देश्य स्थूल एकावलंबी चरित्र का सृजन नहीं बल्कि अपने दर्शानुसार मानवोचित चरित्र का सृजन करना था। उन्होंने अपने इस उद्देश्य की आलंबन भी स्कंदगुप्त को बनाया तथा मानवोचित द्वंद्वों से युक्त बताया, जिसे बौद्धों का निर्वाण, योगियों का समाधि व पागलों का विस्मृति एक साथ चाहिए। ठीक है, नाटक का नाम जो था वो तो देवसेना भी रखा जा सकता था क्योंकि वह सबसे जो है वो सशक्त चरित्र बनकर उभरी थी, पर तब राष्ट्रीय संस्कृति जागरण की उपलब्धि पूर्ण नहीं हो पाती, इस प्रकार कोई घटना प्रधान नाम भी कथ्य को संपूर्णता में व्यक्त नहीं कर पाता क्योंकि नाटक किसी एक घटना पर आधारित नहीं होता। अतः स्कंदगुप्त जो नाम संपूर्णता से उपयुक्त नाम है जो कि ऐतिहासिकता, दर्शन और राष्ट्रीय चेतना का एक साथ व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है, तो हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है कि भारत दुर्दशा नाटक का अभिनेता पर प्रकाश डालती है, जो इसके अभिनेता है उसको पर प्रकाश डालना है, एक्टर पर। तो भारतेंदु नाटककारों की उस परंपरा के प्रणेता थे जो नाटककारों के मंचन को नाटक का अनिवार्य अंग मानते थे। उन्होंने स्वयं अभिनय भी किया है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं अभिनयकर्ता भी थे और तथा निर्देशन भी किया है तथा नाटकों का लेखन भी और अभिनयोचितता को ध्यान में रखकर किया है। ठीक है,
भारत दुर्दशा की जो भाषा शैली है वो ऐसी है जो आम जन ग्राह्य है, मतलब सभी लोग यहाँ पे इसको ग्राहित कर सकते हैं, तथा उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सरल है। इसलिए अभिनय करने वाले अभिनेता को दुरूहता का सामना नहीं करना पड़ता है। और पुनः भारतेंदु ने समस्त पात्रों के वेशभूषा वर्णन का संपूर्ण ध्यान रखा है, जैसे भारत दुर्दैव का आधा क्रिस्तानी तथा आधा मुसलमानी, ठीक है क्रिश्चियन थोड़ा ठीक है, और तथा अभिनियोचित सहयोग हेतु काम में है। और भारतेंदु ने निर्देशकों की सरलता हेतु ध्वनि तथा प्रकाश संबंधी निर्देश जहां तहां दिए हैं। हालांकि ऐसी परंपरा उस समय मौजूद नहीं थी, जैसे कि अगर बात की जाए अंधेरे का संकेत इत्यादि। तो कहना ना होगा कि भारतेंदु ने देखिए, कहने का मतलब ये है कि उस समय जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वे खुद एक अभिनेता थे, वे खुद एक निर्देशक थे, वे खुद कहानियाँ लिखते थे, वे खुद उसका निर्देशन भी करते थे। तो बताने की कोशिश की है कि वहाँ पे वो नाटक को जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट मानते थे, ठीक है रचना का। साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि वो नाटककारों के सभी क्षेत्रों का ध्यान रखते थे, जैसे वेशभूषा हो गया, लाइटनिंग हो गया। हालाँकि उस समय उस इस तरह का जो है तकनीकी का विकास नहीं हो चुका था, जैसे कि अंधेरे को अगर दिखाना है तो आपको रात के सीन बनाना है, क्रिएट करना, तो उस समय इस तरह की जो है व्यवस्था नहीं थी। तो हालांकि अपने हिसाब से उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें प्रयास किया था। तो कहना ना होगा कि भारतेंदु ने नाटकों में अभिनियोचित चौचल्य व सरलता का पर्याप्त ध्यान रखा है, ठीक है। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भारतेंदु नाटककारों की इस परंपरा के प्रणेता थे, जो नाटकों के मंचन को नाटक का अनिवार्य अंग मानते थे। उन्होंने स्वयं अभिनय की क्रिया का व निर्देशन भी किया है, नाटकों का लेखन भी अभिनियोचितता को ध्यान में रखकर किया है। और भारत दुर्दशा की भाषा शैली ऐसी है जो आम जन ग्राह्य है तथा उच्चारण की दृष्टि से सरल है, इसलिए अभिनय करने वाले अभिनेता को दुरूहता का सामना नहीं करना पड़ता है। पुनः भारतेंदु ने समस्त पात्रों के वेशभूषा वर्णन पर संपूर्ण ध्यान रखा है, जैसे भारत दुर्दैव का आधा क्रिस्तानी तथा आधा मुसलमानी भेष, जो कि अभिनियोचित सहयोग हेतु काम में है। भारतेंदु के निर्देशकों की सरलता हेतु ध्वनि तथा प्रकाश संबंधी निर्देशन भी जहां तहां दिए गए हैं, हालांकि ऐसी परंपरा उनके समय मौजूद नहीं थी, जैसे अंधेरे का संकेत इत्यादि। कहना ना होगा कि भारतेंदु ने नाटकों के अभिनियोचित चौचल्य व सरलता का पर्याप्त ध्यान रखा है। तो ये हमारी समाप्त होती है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप उससे हमसे रिलेटेड पूछ सकते हैं। इसकी जो PDF फाइल है उसको हम कोशिश करेंगे कि PDF फाइल को जो है लास्ट में जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे आप लोग डेफिनेटली आगे देख सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सअप से, टेलीग्राम से या फिर ट्विटर से किसी भी तरीके से आप जुड़ सकते हैं। तो हम डेफिनेटली वहाँ पे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।